हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। अगर ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट कर दो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी अगर परफेक्ट है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट कर दो। ओके, आज क्या क्या करने वाले हैं देखो। आज कॉकरोच का स्टार्टिंग से रिविजन कराने वाले हैं, नंबर वन। नंबर टू, हम कॉकरोच लगभग आज एंड कर देंगे, बस एक सिस्टम छोड़ देंगे उसका, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अगली क्लास में करा करके डाइजेस्टिव स्टार्ट करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज हम प्रैक्टिस कराने वाले हैं, ढेर सारे असर्शन रीजन। और आप साथ में बोलोगे असर्शन रीजन के साथ, ठीक है? एक मिनट। ढेर सारे असर्शन रीजन कराने वाले हैं और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कराने वाले हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन। समझ रहे हो ना मेरी बात? एनसीईआरटी की लाइन से उठा करके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और असर्शन रीजन, और साथ में कुछ एनसीईआरटी के कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराएंगे। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है? मैं चाहूंगा सारे लोग लाइव जुड़ जाएं, क्योंकि लाइव में बहुत मजा आने वाला है आज। क्यों? क्योंकि आज क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सेशन होगा ना, और हाँ, एनसीईआरटी भी हम पूरी कवर करेंगे। तो आज हम प्रॉपर बिल्कुल रिलैक्स मोड में पढ़ाने वाले हैं, पूरा कॉकरोच ब्रेन में सेट करते हुए, विद असर्शन रीजन और विद कंडीशनल, जो आप मैंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आज। कर दें स्टार्ट। सब कुछ बेहतर है? ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी सब कुछ बेहतर है? अच्छा, पोल के लिए मैं, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं एक मैसेज कर देता हूं जिससे कि पोल के लिए हमें आईडी। हाँ बेटा, अगर आज पोल की आईडी मिल जाएगी तो हम पोल भी जनरेट करेंगे, ठीक है? हाँ, पोल भी जनरेट करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन हम पोल की फॉर्म में भी करा सकते हैं, और क्वेश्चन हम, ठीक है, डायरेक्टली इंटरेक्ट फॉर्म में भी करा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आईडी हमें मिलती है नहीं, ठीक है? तो कर दें स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे रिवीजन। भाई आज का टारगेट हमने कुछ भी नहीं, कॉकरोच टू डाल दिया है जिसके अंदर लगभग कॉकरोच एंड कर देंगे, ठीक है? अच्छा, लास्ट लेक्चर में रिवीजन थोड़ा लेके चल लेते हैं। अगर रिवीजन की बात करते हैं थोड़ा सा हम ले लेते हैं, ठीक है? भाई रिवीजन लास्ट में हमने क्या क्या ले लिया था, ठीक है? तो थोड़ा समझो। सबसे पहले हमने कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी कराई थी, मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच, जिसमें हमने बताया था कि एक कॉकरोच किसके अंदर आता है, किस फाइलम में आता है, ठीक है? आप बोलोगे ऑर्थोपोडा। ऑर्थो मतलब ज्वाइंट, पोडा मतलब अपेंडेजेस, जो आउट ग्रोथ है लाइक लेग, ठीक है? ज्वाइंटेड पोडा, ठीक है? फाइनली ओमनीवोरस होता है, कैनिबलिज्म होता है, अपनी स्पीसीज को खा लेता है। ओमनीवोरस का मतलब सब कुछ खा लेता है, ठीक है? और नॉक्टर्नल होता है, रात्रिचर, नाइट के टाइम पर एक्टिव होते हैं। एक डाइयूर्नल होते हैं, दिनचर, दिन के टाइम पर एक्टिव होते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, तो ये ध्यान रखना है आपको। कॉकरोच की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना है आपको, ये ऑल ओवर बर्ड मिलते हैं पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है? और बहुत सारी डिसीज के लिए ये वेक्टर का भी काम करते हैं, ये ध्यान रखना है। एक साइज मैंने बताया था, नॉर्मल कॉकरोच की रेंज पूछेगा तो इंचेस में और सेंटीमीटर में आपको याद रखना है, और प्रेरी प्लेनेटा अमेरिकाना का साइज पूछेगा तो आपको मिलीमीटर में दे रखा है, वो आपको याद रखना है, ठीक है? 3453 mm, ठीक है? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, याद रखना है इसका साइज, ठीक है? बेसिक हमने बता दिया था। फिर मॉर्फोलॉजी पर आए थे हम, मॉर्फोलॉजी की हमने बात की थी, तो हमने बताया था कि कॉकरोच कैसा होता है, सेगमेंटेड होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलते हैं, इसको ट्रू सेगमेंटेशन बोलते हैं, जो आगे हम एनिमल किंगडम में बताएंगे कि एक्चुअल में होता क्या है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। बट अभी इतना समझो, उसकी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंट में डिवाइडेड डिवाइडेड होती है। सेगमेंट समझते हो, खंडों में, समझ रहे हो ना, छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइडेड होती है, और हर सेगमेंट का फॉर्मेशन, हर सेगमेंट का फॉर्मेशन फोर प्लेट के मिलने से बनता है।
कितनी प्लेट के मिलने से बनता है? 4 प्लेट के मिलने से बनता है। इसमें एक ऊपर प्लेट होती है, एक नीचे होती है, दो लेटरल होती है। ऊपर वाली प्लेट को क्या बोलते हैं? ऊपर वाली को टर्गा, तो नीचे वाली को क्या बोलेंगे? स्टर्ना, क्योंकि नीचे का मतलब है वेंट्रल, और वेंट्रल साइड पर हमारा क्या होता है? स्टर्नम। तो कॉकरोच की क्या होती है? स्टर्ना, ऐसे याद रखना है। लेटरल साइड पर प्लूरॉन होती है, या टर्गाइट्स, स्टर्नाइट्स या प्लूरॉन टर्म भी यूज कर सकते हो। ये 4 प्लेट्स होते हैं हर सेगमेंट में, इनको स्क्लेराइट्स बोलते हैं, जो काइटिन से मिलकर बने होते हैं। और कॉकरोच का सारा एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल, एक्सोस्केलेटन काइटिन से मिलकर बना होता है। सो इट इज कॉल्ड काइटिनियस, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन कॉकरोच का, ठीक है। तो चारों प्लेटें, इनको स्क्लेराइट्स बोलते हैं बेटा, ये आपस में जुड़ी होती हैं और मूव भी करती हैं। सो ध्यान रखना, इनको जोड़ने के लिए, इनको मूवमेंट के लिए बीच में कुछ मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अर्थरॉइडल मेम्ब्रेन। ऑर्थो मतलब ज्वाइंट, इन चारों प्लेटों के बीच में ज्वाइंट बना रही है। सो इट इज कॉल्ड अर्थरॉइडल मेम्ब्रेन, ठीक है। ऐसे ही मैंने बताया था, इसका एक नाम और होता है, क्योंकि चारों प्लेटें एक दूसरे के ऊपर आर्टिकुलेट करती हैं, रोटेट करती हैं, मूव कर सकती हैं, तो इनको हमने एक नाम और दिया, क्या? आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, या आर्टिक्यूलर मेम्ब्रेन। इसके अलावा डॉर्सल प्लेट और वेंट्रल प्लेट आपस में जुड़े हुए होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? डॉर्सल मतलब टर्गा, वेंट्रल मतलब स्टर्ना, टर्गोस्टर्नल मसल्स, ठीक है। तो अगर मैं मॉर्फोलॉजी की बात करता हूं, तो उसमें स्क्लेराइट्स के बारे में आपको एकदम क्लियर है, स्क्लेराइट्स वाली चारों बातें क्लियर होनी चाहिए भी। स्क्लेराइट्स कैसी होती हैं? काइटिनियस प्लेट होती हैं, चारों जुड़ी होती हैं, कैसे जुड़ी होती हैं? फिर पूरी बॉडी को हमने सेगमेंट में डिवाइड किया था, किसमें डिवाइड किया था? सेगमेंट में। कितने सेगमेंट बताए थे? 3 सेगमेंट बताए थे, ठीक है। हमने पूरी बॉडी को सेगमेंट में डिवाइड किया था, हेड, थोरैक्स और एब्डोमिन, याद हो। हेड में कितने सेगमेंट थे? मैंने बताया था हेड में 6 सेगमेंट फ्यूज होते हैं, और कितना सेगमेंट बनता था एडल्ट के अंदर? 1। थोरैक्स में कोई फ्यूजन नहीं होता, 3 सेगमेंट होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में और एडल्ट में। हाँ, एब्डोमिन में एम्ब्रियो के अंदर 11 सेगमेंट होते हैं, जो फाइनली 10 सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेल हो या फीमेल, ठीक है। सेगमेंटेशन एडल्ट के अंदर क्या देखने को मिलता है? हेड में 1 सेगमेंट, थोरैक्स में 3 सेगमेंट और एब्डोमिन में 10 सेगमेंट, ये याद रखने हैं आपको, ठीक है। फाइनली हमने एक एक करके स्टार्ट किया, तो सबसे पहले हमने हेड वाला रीजन उठाया, इसका हेड वाला रीजन याद हो। अगर मैं कॉकरोच के हेड की बात करता हूं, तो हेड कैसा होता है? ट्रेंगुलर होता है, ठीक है। इसकी पोजीशन क्या होती है? हाइपोगनेथा, हाइपो माने नीचे, नेथा माने जॉ। इसका जो जॉ होता है बॉडी एक्सिस के 90 एंगल पर बेंड होता है, इसको बोलते हैं हाइपोगनेथस पोजीशन, लास्ट लेक्चर में बताया भी था हमने। हमने इसके अलावा हेड की कवरिंग भी बताई थी, भाई ऊपर एक प्लेट होती है वर्टेक्स, नीचे होती है क्लाइपियस, लेटर साइड में होती है जीना, और फ्रंट पर होती है फ्रॉन्स। इससे कॉकरोच का, ठीक है, हेड का पूरा कवरिंग बन जाता है, ठीक है। तो फिर से बोल रहा हूं, ऊपर जो प्लेट होती है वर्टेक्स, नीचे क्लाइपियस, लेटर साइड में जीना, और फ्रंट पर फ्रॉन्स। माउथ पार्ट किससे अटैच होते हैं? क्लाइपियस से अटैच होते हैं। किस टाइप के होते हैं? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के होते हैं। बाइटिंग मतलब, ठीक है, खाने और चबाने वाले, ठीक है, ये वाली बात भी क्लियर थी। अगर माउथ पार्ट की बात करते हैं, तो उसको हमने डिवाइड किया है, भाई सबसे पहले हमने बात की थी अपर लिप, ऊपरी ओठ, लोअर लिप, निचला ओठ, ठीक है, और दोनों के बीच में टंग, हाइपोफैरिंक्स, ठीक है। इसके अलावा ऊपरी जबड़े, ठीक है, दो होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, मैक्सिलरी, जिनमें मैक्सिला को बोलते हैं, जिनमें दो पल्प लगे होते हैं, मैक्सिलरी पल्प। ऐसे लोअर जो उसका होता है, उसको बोलते हैं मैंडिबल, विच एक्ट एज काइटिनियस टीथ, क्योंकि टीथ की तरह वर्क करते हैं, क्योंकि उसमें प्रोजेक्शन बने होते हैं काइटिन के, ठीक है। तो ध्यान रखना, पेयर में मैक्सिला होते हैं, मैंडिबल होते हैं, जबकि लैब्रम, लेबियम और हाइपोफेरिंग्स अनपेयर होते हैं, सिंगल सिंगल होते हैं। अच्छा, लैब्रम और लेबियम में से लोअर लिप किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन आता है, तो लेबिल से बताया था, लेबियम, लेबिल से लेबियम, लोअर लिप होते हैं, जिसके अंदर पल्प होते हैं, सेंसरी पल्प, लाइक मैक्सिला, मैक्सिला जैसे पल्प यहां देखने को मिलते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मैक्सिला, सेकेंडरी मैक्सिला। तो मुझे नहीं लगता यहां तक कोई आपको डाउट होगा, याद आया नहीं आया? देखो आज हम लगभग लगभग, ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो आग लगा दो, इससे आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि हां एकदम सब कुछ सही चल रहा है। भारत माता की जय, थी, है और रहेगी, ठीक है, बिल्कुल बेटा, ठीक है। और असली भारत माता का ऋण तब चुकाओगे जब आप सेलेक्ट होगे, क्या होगे? नीट में सेलेक्ट होके दिखाओगे
और वाकई में देश की सही मायने में सेवा करोगे तब वो है सही मायने में भारत माता की जय आपकी तरफ से। हम तो ठीक है हमेशा तत्पर हैं और लगे रहेंगे, और आपको बस रिजल्ट देना है, बेहतर रिजल्ट, बस 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 यही आग चाहिए, यही आग चाहिए। ठीक है तो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो हेड वाले रीजन के अंदर मैंने क्या क्या बात की थी भाई, उसकी कवरिंग समझ में आ गई, माउथ पार्ट समझ में आ गए, फिर डायग्रामेटिकली भी समझाया था मैंने हेड वाले रीजन के अंदर, एंटीने भी होते हैं, वन पेयर होते हैं, सेंसरी नेचर के होते हैं, ठीक है, और क्या काम करते हैं, मॉनिटरिंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को मॉनिटर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आईज भी होते हैं हेड वाले रीजन के अंदर, कंपाउंड आईज भी होते हैं और सिंपल आईज भी होते हैं। सिंपल आईज ऑसिलाई होते हैं, जो वेस्टिजियल होते हैं, काम के नहीं होते, बस बने होते हैं स्पॉट की तरह, कभी फंक्शनल रहे होंगे बट आज की डेट में वेस्टिजियल है। हाँ कंपाउंड आईज की बात करते हैं तो कंपाउंड का नाम ही है कंपाउंड, जो कई के मिलने से बनती है, छोटे छोटे आई के अरेंजमेंट से बनती है वो कंपाउंड आईज है। तो कॉकरोच में क्या क्या हमने भाई हेड वाले रीजन में क्या क्या पढ़ना था, हेड वाले रीजन में हमने कवरिंग पढ़नी थी हेड की, क्लियर है बिल्कुल, पोजीशन पढ़नी थी हेड की, पोजीशन समझाई थी मैंने हाइपोग्नेथस पोजीशन, माउथ पार्ट क्लियर हो गए आपके, माउथ पार्ट एकदम क्लियर है आपको। इसके अलावा हमने एंटीने बताए थे हेड वाले रीजन के अंदर, एकदम क्लियर है। और क्या बचा, कवरिंग हो गया, पोजीशन हो गया, माउथ पार्ट हो गया, एंटीने हो गए, और बचा लास्ट में आईज। ठीक है आईज की बात करते हैं, टू टाइप के आईज बताए थे हमने, सिंपल आईज एंड कंपाउंड। ठीक है सिंपल आईज को हमने ऑसिलाई बोला, वेस्टिजियल थे, काम के नहीं थे। कंपाउंड आईज की बात करते हैं तो वो छोटे छोटे यूनिट के मिलने से बनते हैं, उन यूनिट को क्या बोलते हैं, ओमेटीडिया। क्या बोलते हैं, ओमेटीडिया, 2000 ओमेटीडिया प्रेजेंट इन ईच आईज। अच्छा किस टाइप का इमेज बनाते हैं, मैंने बताया था अगर कॉकरोच के सामने आप चले गए तो आपके टुकड़े कर देगा, कितने टुकड़े कर देगा कॉकरोच आपके, जरा बताओ अपनी आंखों से, बस आंखों से ही आपके कितने टुकड़े कर देगा, जरा नंबर बताओ फटाफट, एक आंख से कितने और दोनों आंखों से कितने टुकड़े कर देगा। ठीक है मैक्सिमम बच्चे 2000 लिखेंगे, पर दोनों आंखों से वो 4000 पीस करेगा, और वो सारे टुकड़े ब्रेन में जाएंगे और मोजैक, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों के मिलने से पूरी इमेज बनेगी, इसी को बोलते हैं मोजैक, समझ गए ना, बिल्कुल 2000 ओमेटीडिया इन ईच आईज, टोटल 4000 ओमेटीडिया होंगे और आपके 4000 टुकड़े करेंगे और तब ब्रेन में जाकर के एक इमेज बनेगी इनके कॉम्बिनेशन से। तो इस टाइप की जो इमेज बन रही है उसको मोजैक बोलते हैं। ठीक है मोजैक, क्लियर है बिल्कुल, यानी कई के जुड़ने से बन रही है। जितने भी नॉक्टर्नल एनिमल होते हैं ठीक है उनको रात में प्रॉपर नहीं दिखता, धुंधला दिखता है, पर कॉकरोच नॉक्टर्नल होते हुए भी उसको स्पष्ट दिखता है, यानी सुपर इम्पोज इमेज नहीं होती इसकी, सुपर इम्पोज का मतलब है ओवरलैपिंग इमेज, इसकी नॉन ओवरलैपिंग इमेज होती है यानी एपोजिशन। तो बस आईज में तीन बातें ध्यान रखनी है, कंपाउंड आईज होती है मेन आईज, ओमेटीडिया इसकी यूनिट होती है, ठीक है मोजैक विजन होता है, ठीक है और नॉन ओवरलैपिंग इमेज बनती है, इसको हम क्या बोलते हैं एपोजिशन, बस सेंसरी नेचर की होती है। ये वाला हेड वाला रीजन एकदम बेहतर तरीके से ब्रेन में सेट हो गया। आगे बढ़ते हैं ठीक है, तो यहां तक हमने खत्म कर दिया था और आज हमारा टारगेट था हेड के बाद क्या, थोरैक्स, यहां से हमें चलना है आगे। थोरैक्स की बात करते हैं तो थोरैक्स बिल्कुल बेटा बिल्कुल एपोजिशन, यानी क्लियर नॉन ओवरलैपिंग और सुपर इंपोज ओवरलैपिंग इमेज, धुंधली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई तो धुंधली इमेज होती है, या नॉन ओवरलैपिंग है एकदम स्पष्ट है क्लियर है नॉन ओवरलैपिंग है। ठीक है चलो बहुत बढ़िया, अब बात करते हैं थोरैक्स। अब थोरैक्स के अंदर भाई कितने सेगमेंट होते हैं, थ्री सेगमेंट होते हैं, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। और थोरैक्स में हम दो ही चीजें पढ़ाते हैं आपको, लेग और विंग्स, मैं एक साथ ट्रिकली बताऊंगा। ठीक है इस साल भी क्वेश्चन आए हुए हैं इसके ऊपर, थोरैक्स में सेगमेंट कितने होते हैं, थ्री सेगमेंट। थ्री सेगमेंट के मिलने से थोरैक्स का फॉर्मेशन होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है अब थोरैक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहले तो उसको हम थ्री सेगमेंट को दिखाएं आपके। प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स
और मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स, मीजो थोरैक्स और मेटा थोरैक्स। प्रो, मीजो, मेटा, हम इन तीनों की बात करने वाले हैं। प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। अब देख लेते हैं भाई क्या डिफरेंस है प्रो, मीजो, मेटा। इधर तो हम विंग्स की बात करेंगे। किसकी विंग्स? इधर हम लेग की बात करेंगे। अगर हम विंग्स की बात करते हैं तो ध्यान रखना है आपको, यहां पर प्रोथोरैक्स में विंग्स नहीं होते। ये क्रॉस जरूर बनाना, ये क्रॉस आपको याद दिलाएगा। इस बार क्वेश्चन आया था, बच्चों को बड़ा हेल्प मिली थी क्रॉस से। मीजो और मेटा में विंग्स होते हैं, वन पेयर होते हैं इसमें, वन पेयर इसमें, टोटल कितने विंग्स होते हैं? टू पेयर। जबकि अगर हम बात करते हैं लेग्स की तो लेग कितने पेयर होते हैं? थ्री पेयर्स। वन पेयर्स प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट, टोटल सिक्स हो गए। अगर विंग्स की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले समझना, हम बात करते हैं मीजोथोरैक्स के विंग्स। ठीक है, और हम बात करते हैं मेटाथोरैक्स के विंग्स की भी कर लेते हैं। चलो स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा, बहुत थिक होते हैं। ठीक है, अब समझ में आएगा अच्छे से यहां पर। विंग्स के अंदर बात करते हैं तो अंदर हल्के हल्के वेसल्स भी होते हैं विंग्स के अंदर। तो ये विंग्स हो गए। देखो वन पेयर, मैं इस साइड विंग्स नहीं बना रहा, वन पेयर इधर होंगे, वन पेयर इधर होंगे, यहां विंग्स नहीं होते। इधर हम लेग दिखा देते हैं, यहां पर लेग। तो लेग में अगर बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉक्सा, फिर ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया, देन फाइनली छोटे छोटे सेगमेंट्स होंगे यहां पर ऐसे। वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। एक लेग बना रहे हैं, जो एक लेग में सेगमेंट्स होंगे वही सारे लेग में सेगमेंट होंगे। पोजीशन वन पेयर प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट, समझने की कोशिश करना, ट्रिकली काम करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब
या तो होते ही नहीं है, टू पेयर्स होते हैं, वन पेयर प्रेजेंट इन मीजोथोरेक्स, वन पेयर प्रेजेंट इन मेटाथोरेक्स, प्रोथोरेक्स में विंग्स नहीं होते, ठीक है, यहां पर एब्सेंट होते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं नंबर वन, फोर विंग्स, और नंबर टू हाइंड विंग्स, तो कॉकरोच में दो टाइप के विंग्स होते हैं, फोर विंग्स होते हैं और हाइंड विंग्स होते हैं, ठीक है। अगर हम फोर विंग्स की बात करते हैं तो हम फोर विंग्स को क्या क्या बोल सकते हैं, नीट में इस बार आया हुआ क्वेश्चन है, फोर विंग्स को आप, ठीक है, टेगमिना भी बोल सकते हो, टेगमिना, टेगमिना एनसीईआरटी के डायग्राम में बताया था लास्ट क्लास में, इलाट्रा भी बोल सकते हो, ई एल वाई टी आर ए, इलाट्रा, ये जो ऊपर दिख रहे हैं ना ये फोर विंग्स हैं, जबकि नीचे वाले जो दिख रहे हैं ना ये हाइंड विंग्स हैं, ये हाइंड विंग्स हैं, ठीक है। फोर विंग्स किस सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं, वन पेयर प्रेजेंट इन मीजोथोरैक्स, ठीक है, वन पेयर प्रेजेंट इन मीजोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, जबकि हम हाइंड विंग की बात करते हैं वन पेयर प्रेजेंट इन मेटाथोरैक्स, वन पेयर प्रेजेंट इन मेटाथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, यानी प्रोथोरैक्स में विंग्स नहीं होते, वन पेयर किसमें होते हैं, मीजो में, और वन पेयर होते हैं मेटा के अंदर, ठीक है। अगर मैं मीजो के विंग्स की बात करता हूं तो इसमें क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये जो विंग्स दिख रहे हैं ना ये बहुत थिक होते हैं, डार्क होते हैं, डार्क, ठीक है, थिक होते हैं, डार्क होते हैं, काइटिनियस होते हैं, ठीक है, थिक होते हैं, डार्क होते हैं, काइटिनियस होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, फॉर प्रोटेक्शन, फॉर प्रोटेक्शन, किसका प्रोटेक्शन, हाइंड विंग्स का, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हाइंड विंग्स, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्योंकि जो भाई नीचे वाले विंग्स तो पतले होंगे और ऊपर वाले विंग्स क्या करेंगे, नीचे वाले विंग्स को ढकने का काम करेंगे, कवर करने का काम करेंगे, फॉर प्रोटेक्शन, फिर से बोल रहा हूं, ऊपर वाले विंग्स क्या करेंगे, जो नीचे वाले विंग्स होंगे उनको कवर करने का काम करेंगे, ढकने का काम करेंगे, फॉर प्रोटेक्शन, जब जरूरत पड़ती है तो ऊपर वाले विंग्स पीछे कर लेता है और नीचे वाले विंग्स बाहर आ जाते हैं और फिर ये उड़ना स्टार्ट कर देता है, ये मतलब कॉकरोच, ठीक है, तो समझ रहे हो ना, फोर विंग्स जिनको हम टेगमिना या इलाट्रा भी बोल देते हैं, वन पेयर होते हैं, मीजोथोरैक्स में होते हैं, मेटाथोरैक्स के विंग्स का प्रोटेक्शन करते हैं, जबकि मेटाथोरैक्स के विंग्स की अगर बात करते हैं ना तो बहुत थिन होते हैं, ये बेटा बहुत पतले, थिन मेम्ब्रेनस होते हैं, ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है, और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर फ्लाइट, उड़ने के लिए, ये मेन इनका फंक्शन है, उड़ना, फ्लाइट के लिए होते हैं, जबकि ये प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, ठीक है, ऊपर वाले हार्ड काइटिनियस स्ट्रॉन्ग डार्क होते हैं, जबकि नीचे वाले थिन मेम्ब्रेनस, ठीक है, मेम्ब्रेन से मिलकर बने होते हैं, ओनली फॉर फ्लाइट, ऊपर वाले विंग्स का काम होता है नीचे वाले विंग्स का प्रोटेक्शन, यानी हाइंड विंग्स का प्रोटेक्शन, तो याद हो गया आपको, मुझे लगता है याद हो गया होगा, ठीक है, रैंक आपकी 192, ओके, चलो खैर कोई नहीं, अपने मार्क्स इंप्रूव करो, ठीक है, जिन लोगों के मार्क्स कम है वो इंप्रूव करो, जिन लोगों के मार्क्स अच्छे हैं वो मेंटेन करो, ठीक है, बस मैं यही कहूंगा और कुछ नहीं, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो विंग्स वाला पार्ट याद हुआ, थोरैक्स में हम दो चीजें पढ़ाने वाले हैं, विंग्स और लैग, विंग्स दो होते हैं, फोर विंग्स और हाइंड विंग्स, इनमें से किस विंग्स को हम टेगमिना या इलाट्रा बोलते हैं, फोर विंग्स को हम टेगमिना या इलाट्रा बोलते हैं, फोर विंग्स को, कैसे होते हैं बेटा ये, वन पेयर होते हैं, मीजोथोरैक्स में होते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, हाइंड विंग को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि काइटिन से मिलकर बने होते हैं, थिक होते हैं, डार्क होते हैं, मजबूत होते हैं, जबकि नीचे वाले विंग्स जो हाइंड विंग जो मेटाथोरेक्स के अंदर होते हैं वो मेम्ब्रेनस होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, फॉर फ्लाइट, उड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, समझ में आया नहीं आया, आया या नहीं आया, अरे
अब ये बताओ समझ में आया नहीं आया, आया तो आग लगाओ ठीक है। विंग्स वाला पार्ट एकदम दिमाग में सेट हुआ या नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। जूलॉजी में फुल में से फुल मार्क्स आ रहे हैं, ये अच्छी बात है ठीक है, बहुत बढ़िया सुपर, यही चाहिए फुल इन जूलॉजी। ओके बिल्कुल, बायो आपका स्कोरिंग करेगी, अगर बायो में से फुल में से फुल मार्क्स ला रहे हो ना तो आपका स्कोरिंग बेहतरीन है, मजा आ जाएगा ठीक है। चलो एकदम क्लियर है। अब बात करते हैं लैक भाई, लैक की बात करते हैं, थ्री पेयर्स होते हैं, कितने होते हैं थ्री पेयर्स, वन पेयर प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, हमने एक दिखा दिया। अच्छा अपना स्केल्टर सिस्टम याद है, अपना वाला, अपने वाले में बताया था मैंने भाई, हाफ ऑफ पेल्विक, अपनी पेल्विक बोन का जो आधा होता है, समझो नीचे जो अपनी पेल्विक बोन होती है, दिख पा रहा है मेरी पेल्विक बोन, दिख रही है क्या, जो अपनी पेल्विक बोन का आधा पार्ट होता है, हाफ ऑफ पेल्विक, इसको बोलते हैं कॉक्सा, क्या बोलते हैं कॉक्सा ठीक है। फिर आगे हमारी जो थाई बोन होती है, क्या बोलते हैं इसको, फीमर, क्या बोलते हैं इसको, फीमर। फिर आगे फुटबॉल खेलते हैं, किक मारते हैं, फुटबॉल की किक मारते हैं, वो क्या होती है टीबिया, क्या होती है टीबिया, पीछे वाली फिब्रुला। फिर जो एंकल्स होता है ना, एंकल्स, एंकल्स ठीक है, एंकल्स, एंकल्स को शायद टखना भी बोलते हैं मुझे लग रहा है शायद, एंकल्स, तो एंकल्स को क्या बोलते हैं टार्सल, टार्सल। आगे होते हैं मेटाटार्सल, फिर अंगुलियों को बोलते हैं फेलिंजीज। ये मैं स्केल्टर सिस्टम में एक एक चीज याद कराऊंगा आपको ठीक है, और कोशिश करूंगा जब स्केल्टर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो स्केलेटन भी लेके आऊंगा, अगर पॉसिबिलिटी हुई तो ठीक है, उठा के लाने की पॉसिबिलिटी हुई तो ठीक है, बड़ा सा स्केलेटन। बच्चों ने कहा था सर ऑनलाइन में भी स्केलेटन लेके आना, तो ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन में भी हम उस, समझ रहे हो ना, स्केलेटन भाई साहब को भी लेकर के आए ठीक है। ओके तो सीधी सी बात है, विंग्स वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया, अब लेग वाला पार्ट हम किससे कंपाइल कर रहे हैं, अपने से भाई, हमारी पेल्विक बोन का आधा पार्ट कॉक्सल होता है, तो इसकी भी जो पहली बोन होती है यहां पर, उसको हम कॉक्सा बोलते हैं, कॉक्सा, याद हो गया ठीक है, अपना कॉक्सल था ठीक है, इसका कॉक्सा हो गया, एक ही बात है ठीक है। यहां एक एडिशनल बोन मिलेगी आपको जो हमारे अंदर नहीं होती, ट्रोकेंटर, ट्रोकेंटर, ट्रोकेंटर बोन नहीं, मतलब ये सेगमेंट्स हैं हमारे अंदर बोन्स होती हैं, उसी से कंपाइल करा रहा हूं मैं ठीक है। फिर भाई थाई बोन मिलेगी, तो यहां पर हमारे इसके, हमारे पास थाई बोन होती है, उसके पास क्या है, सेम नाम वही है, फीमर। अच्छा फिर क्या आगे, टीबिया, इसके पास भी टीबिया। अच्छा हमारे एंकिस में क्या होते हैं, हमारे एंकिस में टार्सल होते हैं, यहां पर फाइव टार्सस हैं, फाइव टार्सस हैं, टार्सस कितने होते हैं फाइव, फाइव टार्सस हैं ठीक है, जिसमें जो लास्ट वाला टार्सस होता है ना, इसमें लगा होता है एक, समझो एरोलियम, जो वैक्यूम क्रिएटर होता है एक तरीके से, समझो। एक मूवी देखी आपने बादशाह, बादशाह शायद देखी होगी, बादशाह ठीक है, तो बादशाह मूवी के में जो शाहरुख खान था, तो उसके पास एक शूज हुआ करते थे, उन शूज को पहन करके वो वॉल पर चढ़ जाया करता था, याद हो आपको, बादशाह मूवी में शाहरुख खान के पास शूज थे, उन शूज को पहन करके वो स्ट्रेट वॉल पर भी, समझ रहे हो, क्योंकि वो शूज में क्या था, वैक्यूम क्रिएटर, वैक्यूम क्रिएटर। तो बस ये भाई साहब बादशाह तो पहले से ही हैं, बाय बर्थ बादशाह, इनको तो शूज पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके लेग के अंदर क्या लगा होता है, एरोलियम, एक वैक्यूम क्रिएटर है, वैक्यूम क्रिएटर है, यानी वो समझ, खड़ी दीवार पर भी चढ़ सकते हैं इस वैक्यूम क्रिएटर की हेल्प से, समझे नहीं समझे, यस देखिए बादशाह ठीक है। तो बादशाह मूवी में जो शूज पहने हैं शाहरुख खान ने, तो बस ऐसा ही यहां पर एरोलियम होता है, तो एरोलियम की हेल्प से ये खड़ी दीवार पर चढ़ सकता है ठीक है, वैक्यूम क्रिएटर है इसका, वैक्यूम ठीक है, समझे, हाँ बेटा बिल्कुल सही ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, यहां कॉक्सा है, फिर ट्रोकेंटर है, फीमर है, टीबिया है, टार्सस है, याद रखने का एक ही तरीका मैंने बताया, अपने से कंपाइल कर दोगे, अपने से कंपाइल कर दोगे भाई, हमारी पेल्विक बोन के आधे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉक्सल, इसका कॉक्सा, इसके यहां ट्रोकेंटर एक्स्ट्रा है, हमारे पास ट्रोकेंटर नहीं होती। फिर हमारी थाई बोन आ जाती है, हमारी थाई बोन को क्या बोलते हैं, थाई बोन को बताओ,
भाई फीमर, तो इसके पास भी हमने फीमर ही लिखा यहां पर भी, ठीक है। फिर हमारी जो फिटबॉल की किक लगाते हैं आगे, जो लगा रहे हैं फिटबॉल की किक लगा रहे हैं, तो कौन सी बोन होती है, उसको बोलते हैं टीबिया। तो यहां पर भी टीबिया है पर बोन नहीं है, ये लेग का सेगमेंट है, जबकि हमारे पास क्या थी, बोन थी, तो टीबिया हमने यहां पर भी लिख दी। फिर हमारे एंकल में 7 टार्सल बोन होते हैं, 7 टार्सल बोन होते हैं एंकल के अंदर, मैं बोन में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। और यहां पर टार्सस होते हैं, इतना ही तो अंतर है, ठीक है, याद क्विकली हो जाएगा। कितने टार्सस होते हैं, 5, और हमारे अंदर कितने टार्सल होते हैं, 7, जिसमें जो लास्ट टार्सस होता है उस पर लगा होता है क्या, एरोलियम वैक्यूम क्रिएटर। तो लेग वाला पार्ट ब्रेन में सेट हुआ होगा, मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है हुआ होगा। तो विंग्स और लेग एकदम ब्रेन में सेट, क्योंकि वन पेयर लेग आपको प्रोथोरेक्स में भी मिलेंगे, वन पेयर मीजोथोरेक्स में भी मिलेंगे, और वन पेयर मेटाथोरेक्स में भी मिलेंगे। पहले लिख दिया मैंने, लेग्स कितने होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं। सिक्वेंस पर क्वेश्चन आता है, और स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पर क्वेश्चन आता है। ट्रोकेंटर कैसा हो गया, स्मॉलेस्ट, लिख देता हूं मैं, ये स्मॉलेस्ट हो गया, जबकि टीबिया कैसा हो गया, लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट। ये क्वेश्चन आएगा आप कर पाओगे, ठीक है। सीक्वेंस पे क्वेश्चन आएगा तो सीक्वेंस भी आप कर पाओगे, सीक्वेंस मुझे लगता नहीं कोई डाउट होगा आपको, सीक्वेंस इस तरीके से, ठीक है, ये आपको फॉलो करनी है। पहले क्या आएगी, फिर क्या आएगी, फिर क्या आएगी, फिर क्या आएगी, कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया, टार्सस, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट बताओ। देखो, नंबर 1 कॉक्सा, नंबर 2 ट्रोकेंटर, नंबर 3 फीमर, नंबर 4 टीबिया, और 5 क्या हो गए, टार्सस। तो टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट बताओ फटाफट जल्दी से, 9 सेगमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट भी समझ में आ गए, 9 सेगमेंट होते हैं, सीक्वेंस भी समझ में आ गई, और नेम भी याद हो गए, भाई अपने से कंपेरिजन कर दोगे, ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। जो आउट ऑफ एनसीईआरटी लिख रहे हैं वो अपनी चोंच बंद रख ले, ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं है आपको क्या एनसीईआरटी है और क्या एनसीईआरटी नहीं है, समझे, आपको यही नहीं पता क्या आना है और क्या नहीं आना, ठीक है, वापस आ जाओ, ठीक है, बात बाकी के सब वापस आओ, ठीक है। तो कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया, टार्सस, सिक्वेंस क्लियर हो गई, टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट क्लियर हो गए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट क्लियर हो गए। हाँ, पोल भी जनरेट करेंगे, ठीक है, पोल की आईडी मिल जाएगी तो पोल जनरेट कर देंगे, पोल की आईडी मिल जाएगी तो हम जनरेट करेंगे, क्या हम पोल जनरेट कर सकते हैं, पोल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, ओके, अगर पोल की आईडी आ गई तो हम पोल भी जनरेट करेंगे लास्ट में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक, 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 ठीक है। तो थोरैक्स विंग्स वाला पार्ट क्लियर हो गया, लेग वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया, ठीक है, सीक्वेंस क्लियर हो गई, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर है। अब बात आती है एब्डोमिन, एब्डोमिन में टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट कितने होते हैं, जरा बताओ, एब्डोमिन में टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट कितने होते हैं, 10 सेगमेंट होते हैं, कितने, 10 सेगमेंट। एनसीईआरटी भी लेके चलने वाला हूं आज, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन समझाऊंगा आपको, क्वेश्चन कराने के बाद फिर समझाऊंगा कि एनसीईआरटी पढ़ी कैसे जाती है। जो बच्चे ना मुंह चलाते रहते हैं, चप्पड़ 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 चप्पड़, उनको आज बताऊंगा मैं कि एनसीईआरटी पढ़ी कैसे जाती है, ठीक है। बच्चों को यही नहीं पता सच में, अगर आप बाकी में समझे होते तो एक बार में सिलेक्शन लिया होता कि एनसीईआरटी वास्तव में पढ़ी कैसे जाती है, एनसीईआरटी कंसेप्चुअल क्लियर कैसे की जाती है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कैसे क्वेश्चन जनरेट करती है, ठीक है, मतलब उसको फास्ट कैसे करना है। तो ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें मुझे खुद मैंने ऑब्जर्व किया बच्चों के अंदर क्या दिक्कतें आ रही हैं, ऑफलाइन में भी देख रहा हूं, ऑनलाइन में भी देख रहा हूं मैं, इसका इस बार रिजल्ट जो देखा उसमें भी देखा मैंने, तो बहुत सारे कंक्लूजन निकाले हैं उसके बेस पर इस बार में आपको लेकर चल रहा हूं, बहुत सारी चीजें मतलब दिमाग में लेकर के कि बच्चे में क्या क्या दिक्कतें आई थी इस बार, उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। बस आप तो ठीक है, बस तो मेहनत करते जाओ, चलना लेके कैसे चलना है वो मेरे ऊपर छोड़ो, ठीक है, वो हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो एब्डोमेन में टोटल सेगमेंट कितने होते हैं, 10 सेगमेंट। और एब्डोमेन में पढ़ाना क्या क्या है आपको, देखो एब्डोमेन में हम आपको 3 चीजें पढ़ाएंगे, एनल स्टाइल, ठीक है, एनल सरसे या सरकाई भी बोलते हैं बच्चे उसको, ठीक है, और तीसरा हम पढ़ाएंगे जेनाइटल पाउच या चैम्बर, ठीक है, जिसमें होते क्या है वो सब चार चीज, 3 चीज बताएंगे, ठीक है, एक एक चीज करके लेके चल रहे हैं। तो एब्डोमेन के अंदर हम सबसे पहले हम बात करेंगे एनल स्टाइल, एनल
नंबर वन हेडिंग लेके चल रहे हैं इसके अंदर। एनल स्टाइल एंड एनल ससे, ठीक है चलो लेके चलते हैं इसको। देखो एक तरफ तो हम मेल कॉकरोच बनाएंगे, थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा अच्छे से जनरेट हो जाए। एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, तीन सेगमेंट, ऐसा एक स्ट्रक्चर दरी बना दो, ठीक है। मान लो एक तरफ मेल है एक तरफ फीमेल, मान लो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं मेल से, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं फीमेल से, मान लो इसको सेगमेंट का नंबर देते हैं 8, इसको देते हैं 9, तो इसको देंगे 10। लास्ट के तीन सेगमेंट दिखाने हैं मुझे, 8, 9, 10, समझना। अगर मैं 9 सेगमेंट की बात करता हूं और मेल की बात कर रहा हूं यहां पर, तो मेल में 9 सेगमेंट पर इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे, समझ रहे होगे, पॉइंटेड अनसेगमेंटेड। ये मेल का खास स्ट्रक्चर है जो मेल के पास होता है, फीमेल के पास नहीं होता। मींस सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, यानी मेल और फीमेल को अलग अलग करने में इसका बहुत रोल है, मतलब पहचान के लिए, ठीक है। चलो इसके अलावा दूसरा स्ट्रक्चर हम दिखाते हैं यहां पर, व्हाइट से दिखा देते हैं। सेगमेंटेड स्ट्रक्चर है, ऐसे ही फीमेल में सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर होगा, दूसरा स्ट्रक्चर नहीं होगा, यानी एक स्ट्रक्चर दोनों में कॉमन है। एक स्ट्रक्चर दोनों में कॉमन है और एक स्ट्रक्चर सिर्फ मेल में फीमेल में नहीं है, ठीक है। इसी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक तरफ तो हम लिखते हैं येलो वाले स्ट्रक्चर को और एक तरफ हम लिखते हैं बेटा व्हाइट वाले स्ट्रक्चर को, जो मेल में भी दिख रहा है और फीमेल में भी दिख रहा है। तो इसको तो हम बोलने वाले हैं एनल स्टाइल, इससे रिलेटेड पॉइंट में सारे यहां नीचे लिख दूंगा। इधर लिखेंगे एनल सरकाय, इससे रिलेटेड पॉइंट हम नीचे यहां लिख देंगे, ठीक है। जैसे एनल स्टाइल की बात करते हैं, वन पेयर होते हैं, वन पेयर अनसेगमेंटेड प्रेजेंट ओनली इन मेल, किस सेगमेंट पर लगे होते हैं, प्रेजेंट ऑन 9 सेगमेंट, भाई 9 सेगमेंट पर लगे हुए हैं, वन पेयर है, अनसेगमेंटेड है, ठीक है। सिर्फ मेल कॉकरोच में देखने को मिल रहे हैं, फीमेल में नहीं होते, 9 सेगमेंट पर लगे होते हैं। काम क्या करते हैं, हेल्प इन कॉपुलेशन, कॉपुलेशन समझते हो,
हिंदी में इसको निषेचन बोलते हैं, निषेचन। मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच की वॉल्वा को खोलने में इसका मदद लेता है, काइटिन के होते हैं खोलने में, ठीक है, ओपन करने में हेल्प करता है निषेचन के टाइम पर, तो उसमें हेल्प करते हैं, सिर्फ मेल में होते हैं फीमेल में नहीं होते, ध्यान रखना है आपको। सेम पॉइंट्स को मैं कंपाइल कराऊंगा, कंपाइल स्टडी आपको तुरंत याद हो जाती है, कंपाइल स्टडी तुरंत याद हो जाती है आपको। जैसे वन पेयर, तो ये भी वन पेयर, वन पेयर, ये अनसेगमेंटेड होते हैं पर ये 15 सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं, 15 फॉर्म बाय 15 सेगमेंट। चलो अगला क्या है, प्रेजेंट ओनली इन मेल पर जबकि मेल और फीमेल दोनों में मिलते हैं, प्रेजेंट इन बोथ सेक्स, बोथ सेक्स मींस मेल में भी होते हैं और फीमेल में भी होते हैं। मेल में भी होते हैं और फीमेल में भी होते हैं, प्रेजेंट ऑन 9 सेगमेंट, जबकि यहां के ये कहां प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑन 10th सेगमेंट, 10th सेगमेंट, किस सेगमेंट पे लगे होते हैं, 10th सेगमेंट पे लगे होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा फंक्शन क्या है आपको पता है, अर्थ के नीचे जो भाई हलचल होती है, कॉन्टिनेंटल्स, ठीक है, या प्लेट्स होते हैं, ठीक है, उनमें शिफ्टिंग होती है, या कह सकते हो कि ठीक है जितने भी कह सकते हो कि मतलब मूवमेंट होते हैं, किसी भी टाइप की हलचल होती है अर्थ के नीचे, ठीक है भाई, जो पता ना अर्थ के कोर में क्या है, मेंटल है, लावा है, ठीक है, समय समय पर क्या होता है उसमें भाई, उसमें नॉर्मल रोटेशन चलते रहते हैं लावा के अंदर, समय समय पर क्या होता है ये प्लेटें शिफ्ट होती रहती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से भूकंप आते हैं, आप समझते हो ना मेरी बात, ठीक है। तो रिएक्टर होता है, रिएक्टर पैमाने पे इतने स्केल का था, सुना होगा आपने, ठीक है, इतना उसका उसकी जो तीव्रता थी इतनी थी, टर्म सुने होंगे आपने न्यूज के अंदर, जब भी कोई भूकंप आता है इस तरह की कोई हलचल होती है, तो पता है कि कॉकरोच नेचुरली एक ऐसे एनिमल्स है जो अर्थ के नीचे होने वाली ना अर्थक्विक जब आते हैं, तो अर्थ के नीचे होने वाले जो भी मूवमेंट होते हैं अर्थक्विक आने से पहले इनको आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, मतलब इनके पास सेंसरी पार्ट होते हैं, तो सेंसरी पार्ट क्या होते हैं, यही, ठीक है, एनल सरकाई, एनल सरकाई एक ऐसे सेंसरी पार्ट हैं जो अर्थ से चलते हैं, अर्थ से यानी ये चलेंगे तो अर्थ से जुड़े हुए होंगे, ये चलेंगे तो अर्थ से ऐसे से लगे हुए होंगे, ठीक है, तो अर्थ के नीचे होने वाले हर टाइप के मूवमेंट को ये समझ लो उसको आइडेंटिफाई करने में कैपेबल होते हैं, तो इतना सेंसरी मतलब बेहतर सेंसेशन होता है, तो ये एक तरह सेंसरी ऑर्गन है इनके, ठीक है, हेल्प इन सेंसेशन। ये सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है, एक तरीके से मेल में भी होते हैं फीमेल में भी होते हैं, तो ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई, अरे आई या नहीं आई, जो पढ़ रहे हैं ना, मैं हर बार एक ही बात बोलता हूं बेटा, अगर सेलेक्ट हो गए दुनिया तुम्हारे पीछे घूमेगी, और अगर इन्हीं चक्करों में पड़ गए ना तो तुम दुनिया के पीछे घूमोगे, और तुम्हें सिर्फ पीछे घूमोगे तो क्या पड़ेगी, लात पड़ेगी और कुछ नहीं पड़ेगी। तो अब ये दिमाग में बिठा लो कि अगर तुम्हें प्रूफ करना है कि यार हम किसी से कम नहीं, ठीक है, तो क्या करना है आपको, बस फोकस करो, ठीक है, आपको इंडिया का बेहतरीन बैच मिल रहा है, इसका पूरा बेनिफिट उठाओ और खतरनाक सिलेक्शन दे के दिखाओ, ठीक है, दुनिया तुम्हें सल्यूट करेगी और तुम्हारे पीछे लग जाएगी, मैं सच कह रहा हूं ये वाली बात, तो बस यही चीज चाहिए मुझे, ठीक है, यही एकदम मुझे एकदम चाहिए, खतरनाक परफॉर्मेंस आपकी, और आप बिलीव नहीं करोगे जो आपको ये नोट्स मिल रहे हैं ना, ये बहुत बेहतर डिजाइन किए हैं, ठीक है, हर चीज के अंदर कंसेप्ट लगाया हुआ है, ऐसे नोट्स, ठीक है, ये समझो कि ये नोट्स बहुत मतलब फुर्सत में बनाए गए हैं, हर चीज में ट्रिक और टेक्निक और साइंस लगाई गई है, तुम सोच नहीं सकते हो, ठीक है। अब जो थोरेक्स वाला डायग्राम बताया मैंने अभी, ये बच्चों ने बहुत गलतियां की तब जाकर के इसको डिजाइन किया था मैंने, कि क्या ऐसा करूं कि बच्चे इस चीज में गलती ना करें, तो हर छोटी छोटी चीजों पर बहुत काम किया है मैंने, तब जाकर के वो चीजें डिजाइन की हैं, ठीक है, तो यार इसको सीरियसली लो, बस यही कहूंगा, और खतरनाक परफॉर्मेंस दो, बस और कुछ नहीं, बहुत डिफरेंट तरीके से मैं आपको एकदम बिल्कुल साइंटिफिक पैटर्न में लेकर चल रहा हूं,
ठीक है, बच्चे तो छोड़ो, इंडिया के टीचर्स फॉलो करते हैं नोट्स को, इंडिया के टीचर्स, ठीक है, बड़े बड़े टीचर्स फॉलो करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यार तुम तो सीरियस रहो, तुम तो डायरेक्ट पढ़ रहे हो मुझसे, डायरेक्ट वो चीजें मिल रही हैं, डायरेक्ट आप इंटरेक्शन कर रहे हो, और फिर एक एक सुपर कंसेप्ट लेके चलूंगा आपके लिए, एक एक सुपर कंसेप्ट, आप सोच भी नहीं सकते हो, आपको उस बेहतर लेवल कंसेप्ट लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है। तो चलो आ जाओ बेटा, तो हम बात कर रहे थे एनल स्टाइल, अब याद कैसे रखोगे एनल स्टाइल, एनल सर का है ऐसे समझना, यहां पर स्टाइल कौन मार रहा है, स्टाइल स्टाइल स्टाइल, और भाई स्टाइल कौन मार रहा है यहां पर, स्टाइल नहीं आया क्या, स्टाइल समझ गए ना, स्टाइल समझ गए होगे, तो मेल स्टाइल मार रहे हैं भाई, प्रैक्टिकल लाइफ में मेल और फीमेल कोई भी स्टाइल मार सकता है, ठीक है, फीमेल वैसे ठीक है, लड़कियां बड़ी स्टाइल में रहती हैं, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, वो उनका जन्म सिद्ध अधिकार भी है, ठीक है, वो उसका ठीक है, ठीक है, फेमिन करेक्टर है, पर यहां पर क्या है, मेल स्टाइल मार रहे हैं, आपको क्या याद रखना है, मेल स्टाइल मार रहे हैं, ठीक है, ऐसे याद रखोगे कि कॉकरोच में मेल हमेशा स्टाइल में रहता है, फीमेल सीधी सादी है, कॉकरोच में मेल हमेशा स्टाइल में रहता है, मतलब स्टाइल सिर्फ मेल के पास मिलते हैं, फीमेल के पास नहीं मिलते, तो मैं यही कहूंगा आपसे, स्टाइल सिर्फ मेल के पास मिलते हैं, फीमेल के पास नहीं मिलते, जबकि एनल सरकाय की बात करते हैं, ये मेल में भी होते हैं और फीमेल में भी होते हैं, ठीक है, समझे, मेल में भी होते हैं और फीमेल में भी होते हैं, यस समझ गए, बहुत बढ़िया, यही 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 आपकी समझ चाहिए, ठीक है, समझ गए, तो एनल स्टाइल ओनली प्रेजेंट इन मेल, वन पेयर अनसेगमेंटेड, ठीक है, प्रेजेंट ऑन नाइन्थ सेगमेंट, प्रेजेंट ऑन नाइन्थ सेगमेंट पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फीमेल वॉल्वा को ओपन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, हेल्प इन कॉपुलेशन, प्रेजेंट ऑन नाइन्थ सेगमेंट, प्रेजेंट इन मेल कॉकरोच ओनली, ठीक है, हाँ, वन पेयर अनसेगमेंटेड, याद हो गया होगा यार, ठीक है, बिल्कुल इस पैटर्न में लिखा रहा हूं, यहां वन पेयर फॉर्म बाय 15 सेगमेंट, प्रेजेंट इन बोथ सेक्स, मेल एंड फीमेल, प्रेजेंट ऑन 10 सेगमेंट, हेल्प इन सेंसेशन, ठीक है, अर्थ में होने वाले अर्थक्विक का आइडेंटिफिकेशन इनको पहले हो जाता है, ठीक है, रिएक्टर पर बाद में आता है, ये मान के चलो, इतना सेंसेशन परफेक्ट है इनका, समझे बेटू, आई समझ में, नहीं आई, आ गई, ओके ओके, बीएमएस फंक्शन ऑफ स्टाइल, अरे बताया ना भाई कि ड्यूरिंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन का मतलब है निषेचन समझ लो, ठीक है, निषेचन के टाइम पर मेल फीमेल की वॉल्वा को ओपन करने का काम करता है, इनकी हेल्प से क्या करता है, ओपन करना, बस ये फंक्शन है इसका, ठीक है, बीएमएस 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 सुपर, यही चाहिए, ठीक है, तो हमारा ये वाला पार्ट भी एकदम क्लियर हो गया मुझे लग रहा है, स्टाइल और सरकाय के, अब बात करते हैं, अच्छा एक पार्ट और रह गया इसके अंदर, अब एक चीज और बची है इसमें, जेनाइटल चैम्बर, और जेनाइटल चैम्बर मेल में भी होता है और जेनाइटल चैम्बर फीमेल में भी होता है, एनसीईआरटी खोल के बैठो सारे के सारे, सबकी मुझे मतलब अब मुझे तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं आप मुझे फॉलो कर रहे हो अच्छे प्यारे बच्चे की तरह, ठीक है, तो आप सब अगर मुझे फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो बस मैं यही कहूंगा कि एनसीईआरटी खोल के बैठो फटाफट, पोल भी जनरेट करते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी खोल के देखो, पोल भी जनरेट करते हैं, ओके, एक मिनट, ठीक है, तो हम समझ रहे ना मेरी बात, अभी पोल पर भी आएंगे लास्ट में, बस मैं यही देख चेक कर रहा हूं कि पोल की आईडी मुझे मिली या नहीं मिली, अभी तक पोल की आईडी नहीं आई, नहीं आई, ठीक है, पोल की आईडी आते ही पोल जनरेट करेंगे, नहीं नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम मतलब एक बेहतर तरीके से करते ही हैं, एक टाइम देंगे आपको, उस टाइम में आप रिस्पॉन्स देना, मजा आ जाएगा, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं जेनाइटल चैम्बर, अगला पॉइंट लास्ट, एब्डोमेन में जो होता है, जो मैं आप करा रहा हूं जेनाइटल चैम्बर, बहुत अच्छी तरीके से समझना, आंखें खोल करके, एनसीईआरटी खोल करके, तो पल्ले नहीं पड़ेगा, फिर से बोल रहा हूं, एनसीईआरटी खोल के बैठो, आंखें खोल के बैठो, पूरा ध्यान इधर होगा, नहीं तो जेनाइटल चैम्बर समझ में नहीं आता बच्चे को, पहले बोल दे रहा हूं मैं, समझ में नहीं आता, ठीक है, वापस आ जाओ, जेनाइटल चैम्बर, भाई ये मेल में भी होगा फीमेल में भी होगा,
बिल्कुल एनसीईआरटी से कंपाइल करके समझाऊंगा एकदम, ये समझ में तभी आएगा, ध्यान रखना। अगर मैं चैंबर की बात करता हूं तो ये समझो पहले, तो ऐसे समझो, ये कॉकरोच है। कौन है बेटा? कॉकरोच। ये इसका माउथ है, समझना, मान लो माउथ है। ये इसका डॉर्सल साइड है, तो इसका वेंट्रल साइड कहां होगा? नीचे। तो अक्सर कर जो जेनिटल चैंबर होते हैं लोगों के, मतलब एनिमल्स के, वो किस साइड में होते हैं? वेंट्रल साइड में। तो चैंबर कहां पर होंगे इसके? वेंट्रल साइड में। नीचे एक चैंबर होगा, उसको क्या बोलेंगे? जेनिटल चैंबर। कहां पर होगा? वेंट्रल साइड में होगा। किस साइड में? वेंट्रल साइड में। समझने की कोशिश करना, नीचे चैंबर बना हुआ है वेंट्रल साइड में। अब वेंट्रल साइड में कितने सेगमेंट के फ्यूज होने से ये चैंबर बनेगा? वो कौन कौन से सेगमेंट हैं जो कॉकरोच में, ठीक है, मेल हो या फीमेल, फ्यूज होने से चैंबर का फॉर्मेशन करते हैं? इसको जेनाइटल चैंबर बोलते हैं। न्यू बोटल, अरे यार ये बोटल तो चेंज होती रहती है, ठीक है, नहीं लग रही है, बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई नहीं, चेंज करके मिलती रहती है, लगी होती हैं, घूट पी के फिर निकल लेते हैं, चलो ठीक है, वापस आ जाओ, ठीक है। बोटल पे ध्यान है, न्यू बोटल, ओल्ड बोटल, कंसेप्ट पे ध्यान नहीं है, चलो आ जाओ। फीमेल के अंदर इस सेगमेंट की बात करते हैं चैम्बर की, थ्री सेगमेंट, 7+8+9, भाई तीन सेगमेंट। भाई एब्डोमेन में टोटल सेगमेंट कितने होते हैं? 10 होते हैं ना, मेल और फीमेल दोनों में 10 ही सेगमेंट होते हैं। 7, 8 और 9 जब फ्यूज होते हैं तो एक चैंबर बनता है, इसको क्या बोलते हैं? जेनाइटल चैंबर। समझे? क्या बोलते हैं इसको? जेनाइटल चैंबर। 7, 8, 9, समझो मेरी बात, 7, 8, 9, जिसमें 7th नंबर का सेगमेंट होता है ना, 7th नंबर का सेगमेंट, ये खास बात है, इस पर क्वेश्चन आता है, ये सबसे बड़ा होता है, लार्ज होता है, लार्ज एंड बोट शेप होता है। क्यों होता है लार्ज और बोट शेप, ये बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, क्योंकि समझना मेरी बात, इसके एक साइड के अंदर तीन तीन ओपनिंग होती हैं, तीन तीन ओपनिंग होती हैं, 7th सेगमेंट की साइड में, समझो ऊपर की साइड में तीन ओपनिंग होती हैं, थोड़ा वहां ब्रॉड हो जाता है, बोट शेप हो जाता है, लार्ज होता है, ठीक है, बोट शेप होता है, 7th नंबर का सेगमेंट, ऐसे याद रखो, अभी और समझाऊंगा अच्छी तरीके से। और 8 और 9 आपस में फ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, ये डॉर्सल साइड में होगा, वेंट्रल, नीचे की साइड, वेंट्रल साइड में, वेंट्रल साइड में कौन सी प्लेट होती है? वेंट्रल या स्टर्ना? स्टर्ना, नीचे की साइड में वेंट्रल प्लेट होती है। तो नीचे की साइड में वेंट्रल प्लेट के फ्यूज होने से, नीचे की वेंट्रल प्लेट के फ्यूज होने से कितनी, कौन कौन सी वेंट्रल प्लेट फ्यूज होगी? 7 सेगमेंट 8 सेगमेंट और 9 सेगमेंट, 7, 8 और 9 सेगमेंट नीचे की साइड, वेंट्रल साइड, वेंट्रल प्लेट। वेंट्रल प्लेट का मतलब है स्टर्ना, फ्यूज होने से एक ब्रॉड चैंबर बनाते हैं, इसको फीमेल जेनाइटल चैंबर बोलते हैं। तो वेंट्रल साइड स्टर्ना होती है, ठीक है, जिसमें 7th नंबर का सेगमेंट लार्ज होता है, बोट शेप होता है, लार्ज होता है, बोट शेप होता है, हाँ, 7, 8, 9, ये ध्यान रखना है फीमेल के केस में, ठीक है, एक बात तो समझ में आ गई होगी, चलो ठीक है। अब मैं मेल के केस में बात करूं, जरा जो एनसीईआरटी खोल के बैठे हैं, जो बच्चे एनसीईआरटी खोल के बैठे हैं, जरा एनसीईआरटी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देखो, फीमेल वाला देखो, उसमें तीन एक चैंबर बना हुआ है, नीचे पूरा चैंबर बना हुआ है फीमेल वाले पार्ट के अंदर, उसमें उस चैंबर का फॉर्मेशन, उसी को जेनिटल चैंबर बोलते हैं। ऐसे मेल का भी चैंबर बना हुआ है नीचे, ठीक है, फीमेल का चैंबर हार्ट शेप बना होगा, ध्यान से देखो, ऐसे एक मेल का भी चैंबर बना हुआ है। तो मेल और फीमेल दोनों में चैंबर होते हैं, पर अंतर होता है किस किस सेगमेंट के फ्यूज होने से, वही मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो फीमेल चैंबर है, उसमें तीन सेगमेंट फ्यूज हुए हैं, 7, 8 और 9 वेंट्रल साइड में फ्यूज हुए हैं, स्टर्ना कहते हैं, और 7th सेगमेंट लार्ज होता है, बोट शेप होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर डायग्रामेटिकली दिखाऊं 7th चैंबर, तीनों चैंबर जनरल चैंबर को, तो कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखोगे, उसमें एक इस तरीके से फीमेल का गोनोपोर आ रहा है, यहां पर एक ग्लैंड्स भी ओपन कर रही है, एक ग्लैंड भी ओपन कर रही है, स्पर्म मैथिका बोलते हैं इसको, ये भी ओपन कर रही है, ध्यान से देखो ऐसे, और ध्यान से देखोगे यहां पर ये पूरा चैंबर बन रहा है ऐसे ऐसे,
देखो फीमेल चैम्बर ऐसे बना हुआ होगा, ध्यान से देखो ठीक है, और इस चैम्बर के अंदर और ध्यान से देखोगे तो यहां पर एक ओपनिंग और है, ये ऐसे 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 ठीक है, ये एक ग्लैंड्स होते हैं कोलेटरल ग्लैंड्स, ये इस तरीके से। तो ये चैम्बर बन गया, इस चैम्बर का फ्यूजन कितने सेगमेंट से हो रहा है, 7, 8, 9 ठीक है, किस साइड में, वेंट्रल साइड में, क्या बोलते हैं स्टर्ना, जिसमें सेवेंथ नंबर का सेगमेंट कैसा होता है, लार्ज होता है, बोट शेप होता है भाई, पहले सेवेंथ आएगा फिर एट आएगा फिर नाइन आएगा, ऐसे आएंगे। तो सेवेंथ नंबर के सेगमेंट जहां पर होगा वहां पर ये सारी ओपनिंग्स होंगी, सारी ओपनिंग होंगी ठीक है, जिस वजह से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा, मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो क्या, ठीक है, थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा, कंपेरेटिवली लार्ज होगा, बोट शेप होगा सेवेंथ नंबर का। कितनी ओपनिंग नजर आ रही है, तीन कलर नजर आ रहे हैं, येलो ग्रीन और पिंक, ये तीन ओपनिंग होती है इसके इस साइड में, आप इसको एंटीरियर भी बोल सकते हो। अगर मैं चैम्बर की बात करता हूं तो चैम्बर का एंटीरियर ये हो गया, पोस्टीरियर ये हो गया, समझ रहे हो, इस चैम्बर का एंटीरियर पार्ट तो ये हो गया, इस चैम्बर का पोस्टीरियर पार्ट ये वाला हो गया ठीक है, इस चैम्बर की बात कर रहा हूं मैं। और ध्यान से अगर देखो तो इस चैम्बर के अंदर आपको कुछ और भी नजर आ रहे हैं, इस तरीके से काइटिन के प्लेट इधर आ रहे हैं, इस तरीके से काइटिन के प्लेट इधर आ रहे हैं, ऐसा भी नजर आ रहा है ना, कुछ ऐसा चैम्बर बना हुआ है फीमेल का, जिसमें ऊपर वाला पार्ट एंटीरियर होगा, नीचे वाला पार्ट पोस्टीरियर होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि एंटीरियर पार्ट पर क्या क्या मिल रहा है, तो एंटीरियर पार्ट पर, समझो मेरी बात, और पोस्टीरियर, एंटीरियर पार्ट पर ध्यान से देखोगे, एक तो येलो कलर की ओपनिंग दिख रही है, इसको फीमेल या बजाइना की ओपनिंग बोलते हैं या फीमेल गोनोपोर बोलते हैं, एंटीरियर पार्ट पर जो ओपनिंग मिल रही है ना उसको फीमेल गोनोपोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फीमेल गोनोपोर, फीमेल गोनोपोर। अच्छा, और क्या देखने को मिल रही है आपको, ग्रीन कलर की ग्लैंड मिल रही है, इसको स्पर्मेथिका बोलते हैं, इनकी ओपनिंग भी यही होती है, ओपनिंग ऑफ स्पर्मेथिका, ओपनिंग ऑफ स्पर्मेथिका। और एक ओपनिंग और देखने को मिल रही है आपको, ध्यान से देखो, पिंक कलर की ग्लैंड की ओपनिंग भी यहां मिल रही है, पिंक कलर की ग्लैंड, इसको कोलेटरल ग्लैंड बोलते हैं, तो ओपनिंग ऑफ तो तीन ओपनिंग मिलती है इसकी एंटीरियर अग्रभाग पर, ये चैम्बर की बात कर रहे हैं, कॉकरोच की नहीं, कॉकरोच के चैम्बर की बात कर रहे हैं, उसका अग्रभाग पश्चिम भाग, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पर 1, 2 और 3 ओपनिंग देखने को मिल रहे हैं, फीमेल गोनोपोर की ओपनिंग, ओपनिंग ऑफ स्पर्मेथिका और ओपनिंग ऑफ कोलेटरल ग्लैंड। काम क्या होते हैं ये आगे डिस्कस करेंगे, अभी पोजिशन देखो, जबकि पोस्टीरियर पार्ट पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, कुछ काइटिन की प्लेट देखने को मिल रहे हैं, इनको हम गोनेपोफाइसिस बोल सकते हैं ठीक है, ये भी काइटिन की प्लेट है। काइटिनियस प्लेट ठीक है, तो ये पार्ट हो गया फीमेल वाला कंप्लीट ठीक है, फीमेल वाला पार्ट मैंने एकदम ब्रेन में सेट कराने की कोशिश की है ठीक है। तो अब मैं एक चीज और दिखाऊंगा एनसीईआरटी का एक पैरा, जिससे आप कंपाइल कर पाओगे तभी एकदम कंसेप्ट क्लियर होगा। आज बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, देखो, द एब्डोमिन इन बोथ मेल एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट, एक लाइन समझ में आ गई, इन फीमेल, अब पहले फीमेल की बात कर लेते हैं, इन फीमेल सेवेंथ स्टर्नम यानी सातवां स्टर्नम नीचे का कैसा होता है, बोट शेप होता है, टुगेदर विद किसके साथ मिलकर के, 8 सेगमेंट और 9 सेगमेंट के साथ मिलकर के एक ब्रॉड जेनाइटल पाउच या चैम्बर बनाने का काम करता है। यानी एनसीईआरटी क्या बताना चाह रही है, एनसीईआरटी बताना चाह रही है ब्रॉड जेनाइटल पाउच फीमेल में 7, 8 और 9 सेगमेंट के फ्यूज होने से बनता है, जिसमें 7 सेगमेंट बोट शेप होता है, कंपेरेटिव लार्ज होता है। एक क्वेश्चन यहां मिल गया आपको ठीक है, हुज एंटीरियर पार्ट, कौन सा पार्ट,
इसका एंटीरियर पार्ट क्या क्या होता है इसके एंटीरियर पार्ट में, एनसीईआरटी डायरेक्ट पढ़ के कोई समझ ही नहीं सकता। मैं चैलेंज देता हूं इस वाली बात को, ठीक है, मैं सच कह रहा हूं, जिसने मैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है अभी तक, पहली बार एनसीईआरटी पढ़ के समझ ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल बेटा इम्पॉसिबल। तो जो ट्रिक मैं अप्लाई कर रहा हूं वो बहुत मतलब बहुत मेहनत की उस ट्रिक के ऊपर, ठीक है, बहुत मेहनत की है, ठीक है। तब वो ट्रिक्स बनाई गई हैं, उसको एक फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है जिससे कि आपके ब्रेन के अंदर वो परमानेंटली सेट हो जाए, आप उसको इंटरकनेक्ट कर पाओ, उसको लिंक कर पाओ अपने ब्रेन से, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन साइंस है इसके अंदर, मतलब तगड़ी साइंस लगाई है इसके अंदर। अब वो समझोगे धीरे धीरे करके, नए बच्चे, पुराने बच्चों को तो समझ में आ रही होगी। तो एंटीरियर पार्ट कंटेन फीमेल गोनोपोर, फीमेल गोनोपोर नंबर वन, स्पर्मेथिकल पोर नंबर टू, कोलेटरल ग्लैंड नंबर तीन। ये एंटीरियर पार्ट पर, फीमेल के एंटीरियर पार्ट पर देखने को मिल रहा है। डायग्रामेटिकली भी मैंने बताया, डायग्रामेटिकली भी मैंने उस चीज को बताया आपको। वापस आ रहा हूं, क्योंकि एक एक चीज क्लियर करा के आगे बढ़ूंगा मैं, ऐसे नहीं। फीमेल में 7, 8 और 9 सेगमेंट के फ्यूज होने से, स्पेशली कौन स्टर्ना कहां होती है वेंट्रल साइड पर, इनके फ्यूज होने से फीमेल जेनिटल चैम्बर या पाउच का फॉर्मेशन होता है, जिसमें 7th नंबर का सेगमेंट लार्ज बोट शेप होता है। अगला नीट का क्वेश्चन, इसमें हम एंड इस चैम्बर का डायग्राम भी बनाने की कोशिश की हमने, ठीक है, 7, 8, 9 सेगमेंट के फ्यूज होने से, ठीक है। इसमें अगर हम एंटीरियर पोस्टीरियर की बात करते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर की बात करते हैं तो ऊपर वाला पार्ट एंटीरियर, नीचे वाला पोस्टीरियर। तो यहां फीमेल गोनोपोर, ओपनिंग ऑफ स्पर्मेथिका एंड ओपनिंग ऑफ कोलेटरल ग्लैंड, आपको देख रहे हैं तीनों ओपनिंग एंटीरियर पार्ट पर लगे हुए हैं, जबकि पोस्टीरियर पार्ट पर क्या है, काइटिन की प्लेट्स हैं, इनको हम गोनेपोफाइसिस या ठीक है काइटिनियस प्लेट भी बोल सकते हैं। समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी, ठीक है। वापस आ रहा हूं, ठीक है, अच्छा इतना ही दे रखा है इन्होंने। अब मेल की बात करना है, पहले मेल की बात और देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, ये पोस्टीरियर वाला पार्ट फीमेल का जो जेनिटल चैम्बर हम पढ़ाएंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वहां दे रखा है, पर मैंने एक साथ हर चीज को अरेंज करने की कोशिश की है। अब मेल देखो, मेल में इतना कंफ्यूजन रहते हैं बच्चे कि सर ये समझ में नहीं आया, समझो। अगर मैं मेल के पाउच की बात करता हूं, ये कैसे बनता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, देखो यहां थोड़ा सा चेंज है, यहां एंटीरियर ऐसे नहीं, डॉर्सल वेंट्रल, डॉर्सल डॉर्सल साइड कौन सी प्लेट होगी, टर्का, वेंट्रल स्टर्ना। डॉर्सल साइड पर 2 सेगमेंट फ्यूज होते हैं, वेंट्रल साइड पर 1 सेगमेंट फ्यूज होता है। डॉर्सल साइड पर 9+10 सेगमेंट, जबकि वेंट्रल साइड पर वेंट्रल साइड पर ओनली 9 सेगमेंट, ओनली 9 सेगमेंट। अब बच्चे कंफ्यूज, सर मेल जेनिटल पाउच में आपने डॉर्सल साइड क्यों ली, जबकि जेनिटल पाउच तो वेंट्रल साइड में होता है, तो आपको एक ही तो प्लेट साइड लेनी चाहिए थी वेंट्रल, पर एनसीईआरटी ने डॉर्सल और वेंट्रल दोनों ही टर्म दे रखे हैं। सर ये समझ में नहीं आया, अब मैं समझाऊंगा बच्चों क्यों समझ में नहीं आया, समझो एनसीईआरटी क्या बोल रही है। पहले एनसीईआरटी भी दिखाऊं, मैं बिल्कुल लेके चल रहा हूं एक ही चीज क्रिस्टल क्लियर करते हुए। एनसीईआरटी बोल रही है इन मेल जेनिटल पाउच या चैम्बर लाइज एट द ठीक है हाइंड एंड, पीछे की साइड में ऑफ एब्डोमेन, ठीक है, बाउंडेड डॉर्सली, अब क्या आ गया डॉर्सली, डॉर्सली बाय 9th and 10th टर्गा, नहीं पल्ले बड़ा बच्चों को, वेंट्रली बाय 9th स्टर्नम, इससे मिलकर के बनता है। अब बच्चों के इस एनसीईआरटी की लाइन समझ में आ ही नहीं सकती, पक्की बात है, ठीक है, समझे नहीं समझे, कहां से देना होगा मैं टेस्ट, ये दुनिया ही अलग है। ये बच्चे तुम कहे टेस्ट लगता है, जो बच्चा देखो जो प्रेजेंट में जीता है, क्योंकि प्रेजेंट अगले दिन पास्ट बन जाएगा और यही प्रेजेंट डिसाइड करेगा आपके फ्यूचर को। एक बात ध्यान रखना, आज प्रेजेंट जो है वो कल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो आज का प्रेजेंट है ठीक है ये फ्यूचर डिसाइड करेगा। आज अपने परफेक्ट किया है तो फ्यूचर अपने आप परफेक्ट होगा। जो प्रेजेंट बढ़िया रखते हैं उनका पास्ट भी बढ़िया होता है और उनका फ्यूचर तो बढ़िया होता ही है।
समझ रहे हो, आज आप बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हो तो कल आप बोल पाओगे यार मेरे पास्ट बहुत बढ़िया था, मैंने जबरदस्त काम किया। और अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तो फ्यूचर तो परफेक्ट होगा ही, क्योंकि फ्यूचर प्रेजेंट के कर्मों पर डिपेंड करता है, आपके कामों पर डिपेंड करता है। तो जो बच्चे अभी क्लास में अलर्ट हैं, डाइवर्ट नहीं है, प्रेजेंट पूरी टोटली फोकस्ड है, दुनिया की कोई ताकत उनके फ्यूचर को ब्राइट होने से रोक नहीं सकती, पक्की बात है। और जो अभी भी डाइवर्टेड है, ठीक है, खोए हुए पड़े हैं, दुनिया की कोई ताकत, समझ रहे हो ना, उनको उनके टारगेट को अचीव, टारगेट है ही नहीं उनका, ठीक है। कुछ इतने गधे बच्चे हैं, ठीक है, उनके सामने पैरा लिखा हुआ है, वो पूछना चाह रहे हैं सर ये कौन सा पेज नंबर है, सर कौन सा पेज नंबर है, ठीक है। अगर एनसीईआरटी खुली है तो आपको पता चल रहा है ना हम क्या क्या लेके चल रहे हैं, हर दिन एक नया पैरा उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका मॉर्फोलॉजी का लास्ट पैरा है, क्योंकि इसके बाद हम एनाटॉमी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। साफ साफ ऊपर ले रखा है, लाइन तो पढ़ लिया करो, एक लाइन पढ़ने से समझ में आ जाएगा, पर यार करें क्या, जब तक आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी ना तब तक सिलेक्शन की दौड़ में आप हो ही नहीं, ठीक है। क्वालिटी ऐसा नहीं कह रहा कि आप पढ़ने में, भाई मेरे लिए आप जीरो होके आओ, बिल्कुल जीरो, ठीक है, आप जीरो लेवल पर मेरे साथ आओगे तब भी मैं आपके संग डट के मेहनत करने वाला हूं, पर आप साथ में मेहनत करने वाले तो, अगर आप मेहनत करोगे तो हम सच कह रहे हैं आपके संग बहुत डट के मेहनत करेंगे, ठीक है। नहीं भी रिजल्ट आ रहा होगा तो हम जबरदस्ती रिजल्ट लेकर के आएंगे, ठीक है, पर मेहनत तो करना पड़ेगी, ठीक है, बिना मेहनत के रिजल्ट कैसे आएगा, एक तरफा मेहनत से तो काम बनेगा नहीं। तो बस वही चाहता हूं, बस एक ख्वाहिश है कि मेरा हर बच्चा कहीं ना कहीं, ठीक है, अगर मुझसे पढ़ा है तो उसका लाइफ यानी फ्यूचर ब्राइट हो, सिलेक्शन हो या ना हो पर फ्यूचर ब्राइट हो उसका, ठीक है, समझे। चलो आ जाओ करते हैं स्टार्ट। चलो तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इन मेल जेनिटल पाउच चैम्बर लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ एब्डोमिन, ठीक है, बाउंडेड डोर्सली बाय नाइन्थ एंड टेंथ टर्गा एंड वेंट्रली बाय नाइन्थ स्टर्ना। ये अच्छे अच्छे बच्चों को समझ नहीं आती बेटा, अच्छे अच्छे बच्चों को, सच कह रहा हूं, मानोगे नहीं। अब समझने की कोशिश करना, अगर मेल के चैम्बर की बात करते हैं तो मेल का चैम्बर कुछ ऐसा होता है, देखो ऊपर नाइन्थ और टेंथ सेगमेंट फ्यूज करेंगे, नीचे सिर्फ नाइन्थ सेगमेंट है, टेंथ सेगमेंट है ही नहीं यहां पर, और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर एक एनएस का फॉर्मेशन होगा, एनएस यानी ये पूरा चैम्बर बना ना, चैम्बर ये बन गया जेनिटल चैम्बर, ये बन गया जेनिटल चैम्बर, मेल का जेनिटल चैम्बर। तो मेल का जेनिटल चैम्बर होता है ना वो ऊपर नाइन्थ, ऊपर का मतलब डोर्सल साइड नाइन्थ और टेंथ और नीचे ओनली नाइन्थ के फ्यूज होने से बनता है, इस तरीके से होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसलिए ऊपर से तो ब्रॉड होता है, नीचे से नैरो होता है, ऊपर से ब्रॉड नीचे से नैरो, ये कंसेप्ट अच्छे अच्छे टीचर्स ने भी मुझसे पूछा था, सर ये लाइन समझ में नहीं आती, मैं आपके बहुत बेहतरीन टीचरों की बात कर रहा हूं, ठीक है, पर मैं समझाते कैसे हो, बस समझा देते हैं ये मत पूछो, ठीक है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि यार मैं एक एक चीज को बिल्कुल बाल की खाल निकाल करके देने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है, कंसेप्ट बिल्कुल कंसेप्ट, एनसीईआरटी को वाकई में कंसेप्चुअल लेके चलने की कोशिश कर रहा हूं, साथ दो थोड़ा सा, है ना। तो मेल के अंदर ध्यान रखना है नाइन टेन और नाइन्थ, ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, डॉर्सल टर्गा नाइन टेन वेंट्रल स्टर्ना नाइन सेगमेंट के फ्यूज होने से ये चैम्बर बनता है, इसको मेल जेनाइटल चैम्बर बोलते हैं, जिसमें ये एंटीरियर वाला पार्ट हो गया, तो नीचे क्या हो गया पोस्टीरियर, ठीक है। तो एंटीरियर वाले पार्ट पर क्या मिलेगा, एनस, तो पोस्टीरियर वाले पार्ट पर क्या मिलने वाला है, यहां पर अगर आप एनसीईआरटी खोल के बैठे हो तो नीचे आपको कुछ इस तरीके से आउट ग्रोथ देखने को मिलेंगे, ऐसे निकले हुए कुछ पार्ट, मेल के चैम्बर में कुछ बाहर निकलती हुई चीजें दिख रही हैं एनसीईआरटी में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खोलो, अभी खोलो एनसीईआरटी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो बच्चे एनसीईआरटी खोल के बैठते हैं वो सुपर बच्चे हैं, ठीक है, अभी देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ चैम्बर से बाहर निकलती हुई आउट ग्रोथ दिख रही है, जिसमें लिखा हुआ है, देखो ध्यान से देखो, टाइटिलेटर स्यूडोपेनिस स्यूडोपेनिस फेलोमियर्स लेफ्ट फेलोमियर्स राइट फेलोमियर्स वेंट्रल फेलोमियर्स लिखे हुए हैं, ये सब बाहर निकलने हुई निकलने वाली चीजें हैं, इनको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो ये सब निकल रहे हैं ना, ये सब क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो अगर मैं इस मेल चैंबर को दो पार्ट में डिवाइड करूं सेम फीमेल की तरह, एंटीरियर और पोस्टीरियर,
एंटीरियर और पोस्टीरियर, तो मुझे क्या लिखना होगा, एंटीरियर साइड पर तो क्या देखने को मिलने वाला है, एनस, पर पोस्टीरियर साइड पर क्या देखने को मिलने वाला है, आप बोलोगे ठीक है, इसको भी हम गोनेपोफाइसिस बोल सकते हैं या एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, या इसको और क्या बोल सकते हैं, गोनेपोफाइसिस, गोनेपोफाइसिस, और क्या बोल सकते हैं इसको, फेलोमियर्स भी बोल सकते हो, फेलोमियर्स, फेलोमियर्स काइटिनियस प्लेट होते हैं फेलोमियर्स, ठीक है, लेफ्ट फेलोमियर, राइट फेलोमियर्स, वेंट्रल फेलोमियर, देखो अभी एनसीईआरटी, अभी समझ में आएगा, आया समझ में, आया समझ में, यानी टाइटिलेटर, बिल्कुल सही, टाइटिलेटर, स्यूडोपेनिस, फेलोमियर्स, इट्स कॉमनली इन सबको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, यानी वो पार्ट जो बाहर निकल रहे हैं, जेनिटल पार्ट जो बाहर निकल रहे हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है, काम क्या होता है ये हम रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में बताएंगे, पर ये समझ लो इनको हम एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बोलते हैं, ठीक है, तो एंटीरियर पार्ट पर एनस होता है, या एंटीरियर पार्ट पर तीनों चीजें होती हैं, पोस्टीरियर पार्ट पर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, गोनेपोफाइसिस, फेलोमियर बोल सकते हो, यहां पर भी गोनेकोफाइसिस जो काइटिनियस प्लेट होते हैं एक ही बात है, ठीक है, एनसीईआरटी ने दे रखा था, वो एक चीज क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश की है मैंने, ये एनसीईआरटी का पैरा एकदम फिनिश होता है, बहुत प्यारे तरीके से फिनिश कराने की कोशिश की है, फिर से एक बार पूरा दिखा देता हूं मैं इसको, ठीक है, अब लास्ट में देखो, इट कंटेन डॉर्सली, डॉर्सल साइड पर क्या लगा हुआ है यहां पर, अच्छा डॉर्सल एसिड, ठीक है, कोई नहीं, मैंने एंटीरियर पोस्टीरियर लिख दिया है, पर एक ही बात है, एंटीरियर का मतलब ऊपर वाला पार्ट हो गया, पोस्टीरियर का मतलब नीचे वाला हो गया, ऊपर वाले को डॉर्सल बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रल बोलते हैं, ठीक है, तो डॉर्सल साइड पर क्या होगा, एनएस, तो वेंट्रल साइड पर क्या होगा, मेल जेनाइटल पोर, क्या बोलते हैं, गोनेपोफाइसिस, और क्या लग रहे होते हैं यहां पर, एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट, ठीक है, मेल बी आर अ पेयर ऑफ शॉर्ट, ठीक है, थ्रेड लाइक एनल स्टाइल विच आर एबसेंट इन फीमेल इन बोथ सेक्स, टेन सेगमेंट बियर अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं, एनल सरकाय, तो एनल सरकाय मैं आपको बता चुका हूं, एनल स्टाइल में पढ़ा चुका हूं आपको, जेनाइटल पोर कहां होता है ये मैंने बता दिया, इसको गोनेपोफाइसिस भी बोल सकते हो, एंड गोनेपो बोल नहीं सकते, मतलब गोनेपोफाइसिस का मतलब मैं लिख ही देता हूं इस चीज को भी, देखो ठीक है, एंटीरियर बोलो या डॉर्सल बोलो, भी ऊपर वाले पार्ट को डॉर्सल भी बोल सकते हो, ठीक है, नीचे वाले को वेंट्रल भी बोल सकते हो, एक ही बात है, यह एनस होता है, यह एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर्स बोलते हैं, और मेल जेनिटल पोर होता है, एनस जिससे गंदगी बाहर निकलती है, जेनिटल पोर अलग होता है, ठीक है, मेल जैसे मैंने बताया था यहां फीमेल जेनिटल पोर होता है, तो फीमेल जेनिटल पोर को फीमेल गोनोपोर बोलते हैं, मेल जेनिटल पोर एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो बाहर निकल रहे हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या चीजें आती हैं, टाइटिलेटर आता है, ठीक है, स्यूडोपेनिस आता है, और फेलोमियर्स आते हैं जो काइटिन की प्लेट्स हैं, लेफ्ट फेलोमियर, राइट फेलोमियर और वेंट्रल फेलोमियर, अभी स्ट्रक्चर में देखो एनसीईआरटी के मैं तो कराऊंगा आगे ही रिप्रोडक्शन के अंदर आकर के, पर अभी आप इसको चेक कर सकते हो, अब एनसीईआरटी की एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हुई है, ये वो पैरा बता रहा हूं बेटा जो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, अब बताओ समझ में आया नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया, क्लास कितने बजे तक होगा, जिसको जाना है वो अभी तुरंत जा सकता है, ठीक है, जिसको वाकई में समझना है वो साथ रहेगा, बात बाकी के निकल लें, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ाएंगे भी उसी को जो पढ़ना चाहता है, जो सिलेक्शन चाहता है, ठीक है, पर कोशिश यही है कि हर बच्चे को हम वो क्वालिटी दे पाए, तो रिक्वेस्ट भी रहती है मेरी, ठीक है, कि अगर कोई इंपॉर्टेंट अर्जेंट काम है तो बेटा आप रिकॉर्डेड देख लेना, अगर भाई बहुत जरूरी नहीं है तो लाइव में आप थोड़ा सा बेटर होता है, ठीक है, ओके 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 ओके, सुपर 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 सुपर, चलो एकदम क्लियर है, ये एक पार्ट हमारा खत्म होता है, अब चालू करते हैं एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच, एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच, बढ़िया, आपके कमेंट्स देख पा रहा हूं, ठीक है, अच्छी तरीके से देखो, आपके कमेंट्स वाकई में वैल्यूएबल होते हैं, ठीक है, बहुत वैल्यूएबल होते हैं, मतलब इन कमेंट्स से मुझे ये आइडिया लगता है कि बच्चों की क्वालिटी क्या है, बच्चों को किस तरीके से लेके चलना है, ठीक है, बच्चे बहुत बेसिक हैं या वाकई में बच्चे ड्रॉपर हैं,
मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं आइडेंटिफाई करता हूँ मतलब आपके इन कमेंट से। तो जो अच्छे बच्चे हैं वास्तव में क्वालिटी वाले बच्चे हैं, वो अपना व्यू अपने थॉट्स जरूर दिया करो, क्योंकि वो हमारे लिए एक एनर्जी ड्राइव का काम करते हैं। आपको पता नहीं है मतलब आपके कमेंट से ही एनर्जी आती है। ऑफलाइन के अंदर तो हम बच्चे से डायरेक्टली रूबरू होते हैं, ठीक है, वो बता देता है हर चीज़, क्या क्लास में क्या चलना है, हम पूछ भी लेते हैं हर बच्चे से खड़े होकर, भाई समझ में आया नहीं आया। पर यहाँ क्या है, बस आपके कमेंट्स और भाई हमारे और आपके बीच में कमेंट्स ही हैं, या आपके प्यारे प्यारे स्माइल करते हुए चेहरे, ठीक है, जो बस वही सब चीज़ें हैं। तो उसके थ्रू आप बस अपनी बात बोल दिया करो, ठीक है, सही चल रहा है नहीं चल रहा, हर चीज़ कंसेप्चुअल क्लियर हो रही है या नहीं हो रही, आप ऑफलाइन या कहीं भी पढ़ रहे हो क्या उससे बेटर मिल रहा है आपको, मतलब एकदम हर चीज़ थोड़ा सा एक ठीक है, कम्युनिकेशन जरूरी है अटैचमेंट के लिए। ओके एकदम बढ़िया, आगे चलें। तो अब हम बात करते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी में सारे सिस्टम आ जाएंगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं कॉकरोच के, स्टेप बाय स्टेप, समझ रहे हो, सारे सिस्टम कवर करने वाले हैं। क्लास आपकी 1 घंटे और चलेगी अभी, ठीक है, मान के चलो क्लास आपकी अभी 1 घंटे और चलनी है, जिसमें मैं करीब 3 से 4 सिस्टम कवर करूंगा, ठीक है। बचेगा क्या, लास्ट मेनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम बचेगा, जो मैं अगली क्लास में कवर करा करके आगे क्या बढ़ जाएंगे, हाँ 15 मिनट, 10 से 15 मिनट में आपके कुछ पोल जनरेट करूंगा, कुछ क्वेश्चंस, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं आपको कहीं, ठीक है, किताब के क्वेश्चन ही नहीं है, वो सब बनाए हुए क्वेश्चन है एनसीईआरटी की लाइन से, वो भी नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, वो सारे सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, वो सारे के सारे एसर्शन रीजन है, ठीक है। तो वो मैं डिस्कस करूंगा आपसे, बिल्कुल एनसीईआरटी के हैं लाइन टू लाइन, जिससे आपको परफॉर्मेंस आपकी और बेटर होगी लेटेस्ट नीट के पैटर्न से। तो एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है डाइजेस्टिव कैनाल, आप समझ रहे हो, डाइजेस्टिव कैनाल मतलब आहार नाल, समझना मेरी बात, यानी हमारी गट, हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, एक ही बात है, मतलब जहां हम कॉकरोच कॉकरोच की बात कर रहे हैं, तो कॉकरोच की जो एलिमेंट्री कैनाल है सिस्टम कौन सा ले रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करते हैं, समझने की कोशिश करना, तो इसकी एलिमेंट्री कैनाल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और ये अपनी को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बिल्कुल कंपाइल कराऊंगा मैं इसका अपने से, एकदम याद हो जाएगा, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट, मिड गट और हाइंड गट, समझ रहे हो, हमारी एलिमेंट्री कैनाल, हमारी भी फोर गट होती है, हाइंड गट होती है, हमारी मिड गट भी होती है, जो ओरल कैविटी वाला पार्ट है ना अग्र, इसको अग्र वाला भाग बोलते हैं, फोर गट, मध्य वाला भाग बोलते हैं मिड गट, और नीचे एनल कैनाल वाला पार्ट होता है उसको हाइंड गट, पश्च, ठीक है, समझ रहे हो, गट के या आहार नाल के एलिमेंट्री कैनाल के 3 पार्ट होते हैं, फोर गट, मिड गट, हाइंड गट, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है आपको, फोर गट की प्रॉपर्टीज क्या है, मिड गट की प्रॉपर्टीज क्या है, और हाइंड गट की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। अगर मैं फोर गट की बात करता हूं, तो 3 बातें ध्यान रखनी है फोर गट के अंदर, इसका ओरिजिन कहां से हुआ, ओरिजिन, ठीक है, पहला कहां से कहां तक होती है और क्या करती है, ठीक है, ओरिजिन देखते हैं पहले, तीनों का ओरिजिन, इसमें भी ओरिजिन देख लो, अगला हम देख लेते हैं क्यूटिकल, समझाता हूं अभी, क्यूटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, तीसरा हम लेके चलेंगे स्पेसिफिक पॉइंट। अगर मैं आपसे कहूं कि जो फोर गट होती है इसका ओरिजिन किसके थ्रू होता है, एक्टोडर्मल, एक्टो डर्मल, मिड गट का ओरिजिन एंडोडर्मल,
हाइंडगट का ओरिजन अगेन एक्टोडर्मल। कैसे याद करोगे? ये बहुत साइंटिफिक पैटर्न में लिखा है मैंने, ठीक है। कैसे याद करोगे? अपनी गट याद है आपको, हमारी भी फोर गट एक्टोडर्मल, हमारी हाइंड गट भी एक्टोडर्मल और हमारी मिड गट एंडोडर्मल, सेम कॉकरोच की। फोर गट, मिड गट, हाइंड गट, उसकी भी एक्टो एक्टो, मध्य वाली एंडोडर्मल, बिल्कुल अपनी से, ठीक है। ठीक है, कोई नहीं बेटा, कौन है ये? यस सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। जिनके समझ में आ रहा है तो वो तो है ही, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन लगाओगे तब चीजें समझ में आएंगी आपको अच्छी सी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो अपने से कंपाइल कर लिया ना कि अपनी गट से, हमारी फोर गट, मिड गट और हाइंड गट, तो कॉकरोच की भी फोर गट, मिड गट, हाइंड गट, ठीक है। अग्र, मध्य, पश्य, ठीक है, आगे का, मध्य का और पीछे का भाग, ठीक है। ओरिजिन समझ में आ गया। अब हम क्यूटिकल की बात करते हैं, तो ऐसे याद नहीं करना है क्यूटिकल कहां होती है, क्यूटिकल कहां नहीं होती, ऐसे याद रखना है आपको, ऐसे याद रखना है आपको क्या कि क्यूटिकल का ओरिजिन किससे होता है, एक्टोडर्मल। तो जहां एक्टोडर्म होगी वहां पर क्यूटिकल होगी, और जहां एक्टोडर्म नहीं होगी वहां क्यूटिकल नहीं होगी, सबसे बढ़िया तरीका, ठीक है। तो क्यूटिकल क्या होगी, यहां पर प्रेजेंट होगी क्योंकि एक्टोडर्म है, क्यूटिकल यहां पर प्रेजेंट होगी क्योंकि एक्टोडर्म है, यहां क्यूटिकल एब्सेंट होगी क्योंकि एक्टोडर्म नहीं है। कई बच्चे कहेंगे सर क्यूटिकल होती क्या है, समझाता हूं, ठीक है। ये एक अंदर से एक लेयर होती है, ठीक है, एक हार्ड लेयर होती है जो इसकी गट को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि ये कुछ भी खा लेता है, ओमनीवोर्स होता है, ये लोहा तक खा लेता है, ये लकड़ी तक खा लेता है, सेलुलोज, ठीक है, ये सब कुछ खा लेता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अंदर एक लेयर होती है क्यूटिकल, जो उसको प्रोटेक्शन देती है। तो क्यूटिकल कहां होगी, जहां एक्टोडर्म होगी, मींस फोर गट और हाइंड गट में क्यूटिकल होगी, मिड गट में क्यूटिकल नहीं होगी। एक बार तो आपके दिमाग में सेट हो गई, ठीक है। अच्छा, फोर गट होती कहां से कहां तक है, फोर गट कहां से कहां तक होती है, दिखाता हूं आपको। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये ड्रॉ करना है आपको, ठीक है भाई। ये तो हो गया माउथ, फिर फेरिंग्स आ गया, फिर ईसोफेगस आ गई, क्रॉप आ गया, गिजार्ड, यहां तक, गिजार्ड तक फोर गट होती है। गिजार्ड के बाद मिड गट आ गई, और फिर यहां से इलियम से कोलोन से रेक्टम, ये हाइंड गट आ गई। यानी मिड गट को हम बोलते हैं मीजेंटेरॉन, तो बस मीजेंटेरॉन वाला पार्ट मिड गट है, जिसका ओरिजिन एंडोडर्मल है, इसके अलावा एक्टोडर्म, इसके अलावा नीचे वाला पार्ट एक्टोडर्म। यानी ये अंदर से पूरा क्यूटिकल से लाइंड है, बस मिड गट क्यूटिकल से लाइंड नहीं है, फोर गट और हाइंड गट दोनों ही इंटरनली क्यूटिकल से लाइंड है, समझे। माउथ टू गिजार्ड, तो मैं ऐसे लिख सकते हैं हम इसको कि कहां से कहां तक होती है फोर गट, माउथ से गिजार्ड तक। ठीक है, अच्छा मिड गट, तो मिड गट कहां से कहां तक नहीं है, फोर गट के बाद मिड गट होती है, ठीक है। फिर जहां से हाइंड गट चालू जाती है वहां तक मिड गट होती है, मिड गट को बस मिड गट ही बोलते हैं, एक ही पार्ट होता है मिड गट का, मीजेंटेरॉन। तो मिडगट को मीजेंट्रॉन बोलते हैं, मैं लिख दे रहा हूं, मिडगट को मीजेंट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने भी मीजेंट्रॉन भी लिखा हुआ है, मिडगट भी लिखा हुआ है। बस याद रखना है कि जो मिडगट होती है उसका मेन पर्पस क्या है, भाई मिडगट का मेन काम क्या है, यहां डाइजेशन भी होता है एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। भाई एब्जॉर्ब यही हो सकती है क्योंकि यहां क्यूटिकल नहीं होती, अगर क्यूटिकल होती तो यहां से एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं था, क्यूटिकल नहीं है तो आसानी से एब्जॉर्प्शन फूड का हो सकता है क्योंकि क्यूटिकल एब्सेंट होती है, समझे, क्यूटिकल एब्सेंट होती है तो आसानी से फूड का एब्जॉर्प्शन हो सकता है। चलो भाई ये समझ में आ गई। तो हाइंडगट कहां से कहां तक होती है, आप बोलोगे इलियम से लेकर के, इलियम से लेकर के रेक्टम, ये तो हो गया एलिमेंट्री कैनाल का बेहतरीन कंसेप्ट, जो ब्रेन में मैपिंग करने में हेल्प करता है, सिनेप्स बनाने में हेल्प करता है, और मेमोरी जनरेट करने में हेल्प करता है, और डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से मिल जाता है आपको, ठीक है डायरेक्ट। अब जो एनसीईआरटी की लाइनों पर हम चलेंगे तो एनसीईआरटी को ही लेके चल लेते हैं, ठीक है, ये तो ब्रेन मैप तैयार हो गया आपका, एनसीईआरटी उठा ली हमने, एक एक चीज को लेकर चलने वाले, एक एक चीज को एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हुए।
पहले फोर गट की बात कर लेते हैं, फोर गट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, माउथ होगा यहां पर, ठीक है। माउथ की बात क्या दिख रहा है, फेरिंग्स दिख रहा है आपको यहां पर, फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स दिख रहा होगा, ठीक है। फेरिंग्स किसमें ओपन करता है, फेरिंग्स ओपन करता है ईसोफेगस में। फेरिंग्स कहां ओपन कर रहा है, ईसोफेगस में। जहां पर फेरिंग्स ईसोफेगस में ओपन करता है तो यहां पर सलाइवरी ग्लैंड भी दिख रहे होंगे आपको, सलाइवरी ग्लैंड, अगर मैं सलाइवरी ग्लैंड की बात करता हूं बेटा तो सलाइवरी ग्लैंड्स वन पेयर होते हैं। कैसे होते हैं, वन पेयर, सलाइवरी ग्लैंड वन पेयर होते हैं। कैसे होते हैं, वन पेयर, ठीक है। ये एक है, ऐसे इधर भी होंगे, ठीक है, सलाइवस में इकट्ठा होता है, ठीक है, रिजर्वायर के अंदर। तो वन पेयर होते हैं, बाय लोब्ड होते हैं। कैसे होते हैं, बाय लोब्ड। देखो एक के अंदर दो लोब बने हुए हैं, ऐसे इधर भी दो लोब होंगे, वन पेयर है और बाय लोब्ड होते हैं, ठीक है। क्या रिलीज करते हैं इसमें, एंजाइम होते हैं, ओनली कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। ओनली कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, ओनली कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम सलाइवा के अंदर होते हैं, ठीक है। क्यों, सलाइवा यहां से कहां आता है, सलाइवा ईसोफेगस से होता हुआ क्रॉप में आता है, ईसोफेगस से होता हुआ क्रॉप में, और क्रॉप में जो फूड स्टोर होता है उसमें स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा ये, ठीक है। तो आगे क्या देखने को मिलने वाला है आपको, ईसोफेगस तो हो गई, ईसोफेगस के बाद क्या देखने को मिलने वाला है, क्रॉप। क्रॉप का मेन पर्पज क्या होता है, स्टोरेज ऑफ, स्टोरेज एंड डाइजेशन ऑफ फूड, क्योंकि सलाइवा भी इसी में आके इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, इन डाइजेशन ऑफ फूड। पर डाइजेशन के अंदर ध्यान, फूड में ओनली कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होगा, सारा फूड तो कहां पर डाइजेस्ट होगा, मिडिल वाले पार्ट में, डाइजेशन ऑफ फूड। चलो भाई क्रॉप भी समझ में आ गया। क्रॉप के बाद आपको क्या दिख रहा है यहां पर, गिजार्ड नहीं दिख रहा, गिजार्ड, ठीक है। यही ईसोफेगस यहां पर ब्रॉड हो जाती है क्रॉप, ईसोफेगस का ही प्रोडक्शन, मतलब एक तरीके से मॉडिफिकेशन है क्रॉप। अब गिजार्ड की बात कर लेते हैं, गिजार्ड दिख रहा होगा, गिजार्ड, गिजार्ड, गिजार्ड को हम प्रोवेंटिकुलस भी बोल सकते हैं, प्रोवेंटिकुलस, प्रोवेंट्रिकुलस भी बोल देते हैं, कभी कभी क्वेश्चन इस पर भी बना देते हैं, प्रोवेंटिकुलस एक ही बात है, गिजार्ड या प्रोवेंटिकुलस, ठीक है। गिजार्ड में सिक्स काइटिन के टीथ होते हैं, कितने होते हैं, सिक्स, समझो मेरी बात, वन टू थ्री, ऐसे ही वन टू थ्री, और यहां पर एक वॉल्व होता है, स्टोमोडियल वॉल्व, गिजार्ड के ठीक नीचे स्टोमोडियल वॉल्व होता है, ठीक है, जो फूड की एंट्री कहां पर, मिडगट में होने देगा पर वापस नहीं आने देगा, वॉल्व का काम समझ में आ गया। गिजार्ड में क्या होते हैं, सिक्स काइटिनियस टीथ फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड, सिक्स काइटिनियस टीथ होते हैं, किसके लिए, फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड, फूड की प्रॉपर ग्राइंडिंग के लिए सिक्स काइटिनस टीथ यहां देखने को मिलते हैं, ठीक है, फूड की प्रॉपर ग्राइंडिंग के लिए सिक्स काइटिनस टीथ यहां देखने को मिलते हैं गिजार्ड के अंदर, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। वॉल्व कहां होता है, स्टोमोडियल वॉल्व, स्टोमोडियल वॉल्व, सिंगल वॉल्व होता है, गिजार्ड के ठीक नीचे होता है स्टोमोडियल वॉल्व।
गिजार्ड को प्रोवेंट्रिक्यूलस बोल सकते हो। इसमें सिक्स काइटिनियस टीथ होते हैं फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ठीक है, ये गिजार्ड और क्रॉप ये सारे बर्ड्स में देखने को मिलता है, सारे बर्ड्स में। पुराना क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक फीचर प्रेजेंट इन ऑल बर्ड्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो आप बोलोगे गिजार्ड एंड क्रॉप, सारे बर्ड्स में, क्योंकि उनके भाई माउथ में टीथ तो होते नहीं है, बीक होती है, सारे सीड को वो खाते रहते हैं, क्रॉप में इकट्ठा कर लेते हैं, फिर क्रॉप से धीरे धीरे गिजार्ड में जाते हैं, वहां उनकी सीड की क्या होती है, ग्राइंडिंग होती है। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर यहां पर भी देखने को मिल रहा है, किसके लिए, अच्छे से फूड को ग्राइंड करने के लिए। क्रॉप में डाइजेशन हो रहा है और गिजार्ड के अंदर उसको अच्छे से ग्राइंडिंग किया जा रहा है, और तब ये एंटर करता है कहां पर, मिड गट के अंदर। पर मिड गट के अंदर क्यूटिकल नहीं होती, तो इस फूड से मिड गट को प्रोटेक्ट कौन करता है, समझना मेरी बात, इस फूड से मिड गट को प्रोटेक्ट कौन करता है, समझाऊंगा मैं। ठीक है, समझो, एक ही चीज समझते चलो। ठीक है, तो ये एक अभी बेसिक बात समझाइए मैंने बेटा, माउथ है, फेरिंग्स है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं दे रखे हैं यहां पर, वन पेयर होते हैं, बाय लोब्ड होते हैं, जिनमें ओनली कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। यही ईसोफेगस आगे जाकर के क्रॉप में कन्वर्ट होती है, जो फूड को स्टोर भी करता है और यहां पर डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक, इसके नीचे गिजार्ड होता है, इसको प्रोवेंटिकुलस भी बोल सकते हो, उसमें सिक्स काइटिन के टीथ होते हैं जो फूड को अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। ये हो गई फोर गट आपकी कंप्लीट, स्टोमोडियल वॉल तक फोर गट कंप्लीट कर दी मैंने। अब बात करते हैं मिड गट की, मिड गट को हम और क्या बोलते हैं, मिड गट को मीजेंटरॉन भी बोलते हैं। तो मिड गट और फोर गट के जंक्शन पर हमें कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, इनको बोलते हैं हेपेटिक सीके। हेपेटिक सीके जो लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम रिलीज कर लेते हैं। ठीक है, हेपेटिक सीके। हेपेटिक सीके, हेपेटिक सीके कितने होते हैं बेटा, 6 to 8 तक, 6 से लेकर के 8 या 7 to 8 लिख लो। ठीक है, प्रेजेंट कहां होते हैं, प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड हाइंडगट, प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ, जहां फोरगट और हाइंडगट, मिडगट सॉरी, फोरगट और मिडगट जुड़ते हैं उस जंक्शन पर, जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर देखने को मिलते हैं ये हेपेटिक सिक्के। ठीक है, क्या रिलीज करते हैं, रिलीज लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डाइजेस्टिव एंजाइम। तीनों को ही डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम हेपेटिक सीके से निकलते हैं, तो मोस्टली डाइजेशन में यही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मिड गट। ठीक है, अब जैसे ही फूड एंटर करेगा मिड गट में, करा दो एंटर फूड की, फूड की एंट्री कहां होगी, मिड गट में। अब इस फूड से मिड गट को प्रोटेक्ट कौन करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो धीरे से इस फूड के अराउंड एक लेयर बनती है, इस लेयर को बनाने का काम कौन करता है, वॉल ऑफ मिड गट, जो इस फूड से मिड गट को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, समझो, इसको बोलते हैं पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन। पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन, अब इस पर क्वेश्चन क्या क्या बन चुके थे पुराने बता रहा हूं मैं। ठीक है, इसको रिलीज कौन करता है, अब बोलोगे रिलीज, रिलीज बाय वॉल ऑफ मिड गट, मिड गट की वॉल खुद रिलीज करती है इस पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन को। ठीक है,
कहां प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट अराउंड फूड। क्या मेन रोल क्या है? ये परमीएबल होती है एंजाइम्स एंड डाइजेस्टेड फूड। आप समझो, समझ में आएगा धीरे धीरे। मानो फूड एंटर किया कहां पर? मिडगट में। कौन एंटर किया? फूड। अब इस फूड से मिडगट को नुकसान ना हो जाए, क्योंकि मिडगट के अंदर क्या नहीं है? मिडगट के अंदर पेरिट्रोफिक, मिडगट के अंदर क्यूटिकल नहीं है। तो मिडगट की वॉल क्या काम करेगी? इसके अराउंड एक लेयर को बनाना चालू कर देगी। इस लेयर को क्या बोलते हैं? पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन। अब इस लेयर के अंदर कौन जा सकता है? एंजाइम जा सकते हैं और डाइजेस्टेड फूड बाहर आ सकता है। यही तो हम चाहते थे, अंदर एंजाइम जाए, ठीक है, और डाइजेस्टेड फूड बाहर आए, ठीक है। और जो डाइजेस्टेड फूड आएगा उसका क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन, यानी मिडगट से एब्जॉर्प्शन होता है। और अनडाइजेस्टेड फूड फाइनली कहां एंटर कर जाएगा? लार्ज, सॉरी, इलियम वाले पार्ट में, हाइंड गट में एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन कौन, इसको कौन रिलीज करता है? रिलीज बाय वॉल ऑफ मिडगट, प्रेजेंट अराउंड फूड, परमिएबल फॉर एंजाइम्स एंड डाइजेस्टेड फूड, ठीक है भाई। अनडाइजेस्टेड फूड तो अंदर भरा होगा, पर जैसे जैसे डाइजेशन होता जाएगा वो बाहर निकलता जाएगा और मिडगट की वॉल से वो एब्जॉर्ब होता जाएगा, ठीक है। प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। रिपीट स्टोमोडियल वॉल्व, बस एक वॉल्व होता है, याद हो, याद क्या हो, हम पढ़ाएंगे एलिमेंट्री किनाल अपनी पढ़ाएंगे। हमारी एलिमेंट्री किनाल में भी एक वॉल्व होता है, याद हो, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक वॉल्व होता है हमारी एलिमेंट्री किनाल के अंदर, इसको इलियोसिकल वॉल्व बोलते हैं। ऐसे ही कॉकरोच की भी एलिमेंट्री किनाल या गट में एक वॉल्व होता है, इसको स्टोमोडियल वॉल्व बोलते हैं। फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर भी बोल सकते हो, या गिजार्ड के दूसरे वाले छोर पर बना हुआ होता है, जो फूड को जाने तो देगा मिडगट में पर वापस आने नहीं देगा, उसको हम वॉल्व बोलते हैं। जो एक डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं वो वॉल्व हैं, ठीक है। ओनली यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जा सकता है पर वापस आ नहीं सकता, ठीक है। हाँ, इलियोसिकल वॉल्व हम अपनी वाली इंटेस्टाइन में बताएंगे ह्यूमन के अंदर। तो ये वाली बात तो एकदम क्लियर है, मुझे लगता नहीं कोई डाउट होना चाहिए पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, मिडगट कंप्लीट हो गई। अब यहां पर आपको कुछ देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को मालपिगिन ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं? मालपिगिन ट्यूब्यूल्स। अगर मैं मालपिगिन ट्यूब्यूल की बात करता हूं, नंबर क्या होता है इनका? आप लोगे अप्रोक्सीमेटली 100 से लेकर के 150 इनका नंबर होता है। काम क्या करते हैं? फॉर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। मालपिगिन ट्यूब्यूल कहां होते हैं? प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ, प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर होते हैं, जंक्शन जहां पर जुड़ते हैं, ठीक है। मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर होते हैं, 100 से लेकर के 150 होते हैं, एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा, इसकी मैकेनिज्म भी आगे मैं एक्सक्रीशन में बताऊंगा, एनसीईआरटी ने एक्सक्रीशन में दे रखा है। अब फाइनली आगे बढ़ोगे, आगे क्या देखने को मिल रहा है? इलियम देखने को मिल रही है, छोटा सा नैरो पार्ट इलियम है। इलियम के बाद क्या देखने को मिल रही है? कोलोन देखने को मिल रही है, कोलोन, कोलोन। इसके अलावा क्या देखने को मिल रहा है? रेक्टम देखने को मिला, रेक्टम। अगर मैं रेक्टम की बात करता हूं तो इस रेक्टम वाले पार्ट में छोटे छोटे पेपिले होते हैं, 6 रेक्टल पेपिले, जो फाइनली वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं।
जिसके लिए फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर H2O को एब्जॉर्ब करने के लिए फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका, लास्ट में क्या आ जाएगा NS, ये कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल हो गई, ठीक है। एक बार रिपीट करता हूं, हाँ बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जैसे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोलोन वाले पार्ट में, याद हो आपको, ठीक है, या हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन वाले पार्ट में स्पेशली वाटर एब्जॉर्ब होता है, ऐसी इसके भी रेक्टम के अंदर रेक्टल पैपले होते हैं 6, वो वाटर के एब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अपने से कंपाइल कर दोगे यू याद हो जाएगा। अब दिमाग में देखो, बिठाते हैं इसको, सबसे पहले क्या होगा इसका माउथ, क्या होगा इसका माउथ, यानी पूरा खत्म कर दें यहां मैंने, पूरा विद मैकेनिज्म कहां कहां क्या हो रहा है, ठीक है। माउथ, माउथ में कहां पर ओपन करता है, फेरिंग्स, छोटी सी नैरो पार्ट होता है फेरिंग्स, नैरो ट्यूब, फेरिंग्स का ओपन करती है आगे ईसोफेगस, ईसोफेगस छोटा सा पार्ट होता है जो आगे आगे क्रॉप में कन्वर्ट होता है। यहां कौन सी ग्लैंड खुल रही है, सलाइवरी ग्लैंड, वन पेयर होते हैं, बायलोब्ड होते हैं, जो सलाइवा को रिलीज करते हैं क्रॉप के अंदर, और सलाइवा में क्या होता है मेनली कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी क्रॉप में ओनली कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, ठीक है। अब क्रॉप में जो फूड डाइजेस्ट होगा वो धीरे धीरे कहां पहुंचेगा, गिजार्ड, गिजार्ड में कितने काइटिनस टीथ होते हैं, 6, जो धीरे धीरे क्या करते हैं, फूड को ग्राइंड करते हैं। इस पूरे पार्ट को हम फोर गट बोलते हैं, जिसका ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है, जो इंटरनल क्यूटिकल से लाइंड होता है। एकदम कंसेप्ट फोर गट का क्लियर हुआ होगा, फोर गट। अब फोर गट और मिड गट के जंक्शन पर एक तो आपको वॉल्व देखने को मिल रहा है, ठीक है, स्टोमोडियल वॉल्व। गिजार्ड को मैंने एक प्री वेंटिक्यूलम या प्री वेंटिकुलस लिखा है, इसको भी नाम याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में ये टर्म आ जाता है और बच्चा गलत कर देता है, ठीक है, ठीक है, प्रोवेंटिकुलस, प्रोवेंटिकुलम या प्रोवेंटिकुलस में समझ में आ, गिजार्ड को ही बोलते हैं। और यहां पर एक वॉल्व होता है स्टोमोडियल वॉल्व, स्टोमोडियल वॉल्व, एक ही वॉल्व बताया मैंने, ठीक है। और जंक्शन पर हेपेटिक सिक्के होते हैं, 7 to 8 हो सकते हैं, जो लिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट तीनों को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम रिलीज करते हैं मिड गट में। पर मिड गट अंदर से क्यूटिकल से लाइंड नहीं होती, तो यहां फूड जब एंटर करता है ना, उसके अराउंड एक लेयर बनती है पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन, जो वॉल ऑफ मिड गट के थ्रू रिलीज होती है, फूड के अराउंड होती है, परमेबल होती है एंजाइम और डाइजेस्टिव फूड के लिए। ठीक मिड गट के बाद मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पर क्या देखने को मिलते हैं, मालपिगिन टिब्यूल 100 से लेकर के 150 तक हो सकते हैं, एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जंक्शन पर होते हैं। इलियम कोलोन रेक्टम, रेक्टम में 6 रेक्टल पैपिले होते हैं, जो वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फाइनली अनडाइजेस्टेड फूड बाहर, हाँ बेटा 6 to 8 या 7 to 8 एक ही बात है, ठीक है, 8 तक हो सकते हैं, ठीक है। सर गॉट फर्स्ट रैंक, बस यही चाहते हैं भाई, यही चाहते हैं फर्स्ट रैंक, ठीक है, और कुछ भी नहीं। अब बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं आया, प्रोवेंटिकुलस, इट इज अ टाइप लाइक गिजार्ड को ही बोलते हैं प्रोवेंटिकुलस, BMS, बहुत बढ़िया। देखो हिंदी हिंदी थोड़ी थोड़ी बोल देता हूं मैं हिंदी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि हिंदी वाले बच्चों के लिए वैसे एक अलग से बैच लॉन्च कर रखा है, ठीक है, यकीन हिंदी मीडियम तो, पर फिर भी मैं जानता हूं कि इस वाले बैच में भी हिंदी के बच्चे हैं, मुझे पता है, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा उनके फीलिंग के लिए हिंदी के टर्म यूज कर देता हूं, बात बाकी का तो मैं हिंदी में ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मतलब ना हिंदी है ना इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश है, जिसे कि हर टाइप के बच्चे को कंसेप्ट मिल पाए, तो कोशिश यही रहती है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम आपका क्लियर हो गया, और क्लियर हो गया तो बस रिप्रेजेंट करो फटाफट, मुझे बताना की कोशिश करो कि यार हाँ सर मजा आ गया, ये सिस्टम एकदम ब्रेन में सेट हो गया, एकदम ब्रेन में। अब NCERT ले लेता हूं मैं, तुम ये ना कह पाओ सर NCERT छूट रही है, सर आपने आउट ऑफ NCERT करा दिया। मुझे पता है 2-4 बच्चे होते हैं, 2-4 बच्चे कोचिंग में भी होते हैं, 2-4 बच्चे क्लास में भी होते हैं, जिनका मोटिव पढ़ना नहीं होता, उनका मोटिव सिर्फ नारे लगाना होता है, ठीक है, मतलब समझ गए ना, बस उनका मतलब है वो ये नहीं देखा होगा BJP कांग्रेस, पता है ये चीज नहीं है, पर उनको अपनी बात कहनी है भाई, ये चाहे सामने गधा खड़ा है, हाथी खड़ा है, एक घोड़ा है, ये घोड़ा है, वो कहते रहेंगे, दुनिया में ऐसे लोग हैं, ठीक है, पर एक्चुअल में सबको पता है क्या नहीं, क्या आता है क्या नहीं आता, जूलॉजी का स्टैंडर्ड क्या है क्या नहीं है। 4 साल के पेपर लगाने से हमें समझ में आ जाती है यार किस तरीके से हमें पढ़ना है। इस बार भी पेपर हमने देखा तो भाई मेरी तो कोशिश यही रहती है कि हर साल पेपर के अकॉर्डिंग अपने को मॉडिफाई करूं बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, और बच्चे के संग जी तोड़ वैसी ही मेहनत करूं जैसा पेपर आया, जैसे बच्चा पेपर फोड़ पाए, ठीक है, समझ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ एनाटॉमी हमने स्टार्ट कर दी थी। द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द
बॉडी कैविटी, ठीक है, इट डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन, बच्चे कहते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी, आउट ऑफ एनसी, मतलब बीजेपी कांग्रेस इन सब नेता लोग हैं, क्या बताऊं मैं, कितने रीजन में डिवाइड किया है, थ्री रीजन, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। तो तीनों रीजन को मुझे एक्सप्लेन करना था, वो मैंने कर दिया आपको, फिगर में दिखा रखा है इन्होंने। द माउथ ओपन इनटू शॉर्ट ट्यूब्स, किसमें, शॉर्ट ट्यूब, क्वेश्चन आता है कि माउथ एक शॉर्ट ट्यूब ट्यूबुलर पार्ट में ओपन करता है, क्या बोलते हैं इसको, फेरिंग्स, फेरिंग्स एक शॉर्ट ट्यूबुलर पार्ट है, ध्यान रखना है, लीडिंग टू द नैरो ट्यूब, ठीक है, यानी ये किसको लीड करेगा, छोटी सी नैरो ट्यूबुलर पैसेज को, इसको क्या बोलते हैं, ईसोफेगस, या ईसोफेगस कोई बहुत बड़ी नहीं है, छोटा सा नैरो ट्यूबुलर पार्ट ईसोफेगस है, छोटा सा, ठीक है, ट्यूबुलर पार्ट ही यहां पर फेरिंग्स है, बहुत बड़ा नहीं है, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। दिस इज टर्न ओपन इनटू द सैक लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं इसको, क्रॉप, यूज्ड फॉर, भाई मेन काम क्या कर रहा है क्रॉप का, फूड को स्टोर करता है, पर यहां पर फूड का डाइजेशन भी होता है क्योंकि सलाइवा इसमें आके इकट्ठा होता है। द क्रॉप इज फॉलोड बाय गिजार्ड, देखो प्रोवेंटिक्यूलम, मैंने क्या बोला था, प्रोवेंटिक्यूलम पर क्वेश्चन आता है, बच्चे बोलते हैं ना आउट ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में भी दे रखा है प्रोवेंटिक्यूलस, प्रोवेंटिक्यूलस हम गिजार्ड को ही बोलते हैं, लिखा दिया है मैंने, ठीक है, तो मैं खुद ही एनसीईआरटी की एक एक लाइन को क्रिस्टल क्लियर करते चल रहा हूं, एक एक लाइन को, ठीक है, जो बच्चे वाकई में अपने टीचर पर फेथ करते हैं ना, मैं सच कह रहा हूं, उनको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, जो समझ रहे हो, कांग्रेस कांग्रेस बीजेपी ये जितने भी नेता वाली पार्टी के लोग हैं वो सब यही करेंगे, कुछ नहीं। गिजार्ड को हम क्या बोलते हैं, प्रोवेंट्रिक्यूलस, एक ही बात है, गिजार्ड या प्रोवेंट्रिक्यूलस, इट हैज एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्क्यूलर मस्कुलर एंड थिक इनर क्यूटिकल, ठीक है, अब समझ में आ गया, क्यूटिकल क्यों बताया मैंने, अब एनसीईआरटी में क्यूटिकल दे रखा है, अब अच्छा क्यूटिकल समझ ही गई नहीं, क्यूटिकल होती क्या है, तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि क्यूटिकल प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, फोरगट हाइंड गट में होती है, मिड गट में नहीं होती, क्यों नहीं होती यही पता होना चाहिए, क्योंकि फूड का एब्जॉर्प्शन होना है, ठीक है। एनसीईआरटी की एक चीज को मैं एनसीईआरटी की लाइनों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, कुछ भी एडिशनल लेके नहीं चल रहा, पर वो लाइनें तब समझ में आएंगी जब प्रॉपर तरीके से मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, आप करने दोगे, ठीक है। तो इट हैज आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स, भाई बाहर तो इनके क्या होते हैं, सर्कुलर थिक मसल्स होते हैं, जिससे क्या हो पाए, कॉन्ट्रैक्शन हो पाए। अंदर क्या होती है, अंदर क्यूटिकल की लेयर होती है, क्यूटिकल की लेयर जो इसको प्रोटेक्शन में हेल्प करे, और सिक्स हाईली काइटिनियस टीथ भी होते हैं जो मैंने लिखा दिए, जो अच्छे से फूड को क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं। गिजार्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग, लिखा दिया मैंने, गिजार्ड का मेन काम क्या है, ग्राइंडिंग द फूड, ठीक है। द एंटायर फोरगट इज, एंटायर फोरगट, पूरी फोरगट की बात कर रहा हूं, इज लाइंड बाय फूड, हाँ, द एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल, आ गया बेटा, जो बच्चा कह रहा था ना स्टार्टिंग में आउट ऑफ एनसीईआरटी, गधे बच्चे हैं यार, क्या करूं, पर मेरा यार उन बच्चों से भी ये रहता है कि यार फोकस करो, ठीक है, पढ़ाई पे फोकस करो और कुछ नहीं, बस यही उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि नारे मत लगाओ, सिर्फ फोकस करो, वही सच में आपको एक सही डायरेक्शन में लेके जाएगा। मेरा इतना प्रॉमिस है कि अगर आपको डॉक्टर भी नहीं बनना ना, पर आप बहुत कुछ बन सकते हो, बहुत कुछ बन सकते हो, बहुत कुछ ले सकते हो आगे की लाइफ से, अगर आप वाकई में क्लास में सीरियस हो और मतलब समझ रहे हो हर चीज को, तो बस यही है, ठीक है। क्योंकि देखो हर हर बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट है, ठीक है, हो सकता है पढ़ने के लिए बच्चे नहीं आया तो ठीक है, पर अपना जो भी टैलेंट है उसको एक सही डायरेक्शन में लगाओ, बस यही कहूंगा, ठीक है। चलो, तो क्यूटिकल समझ में आ गया, द रिंग ऑफ द 6 to 8, मैंने 7 to 8 लिखा दिया, 6 to 8 कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स, क्या बोलते हैं इनको, हेपेटिक सिक्के बोलते हैं, या गैस्ट्रिक सिक्के भी बोल सकते हो इनको, हेपेटिक या गैस्ट्रिक एक ही बात है, इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ, क्वेश्चन आता है, फोरगट एंड मिडगट, मैं बता दिया आपको, विद सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, मेन सारा डाइजेस्टिव जूस यहां पर होता है, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट प्रेजेंट अनदर रिंग, मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर कितने होते हैं, 100 to 150 येलो कलर थिन फिलामेंटस मालबेगिन ट्यूब्यूल, दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम द हीमोलिम्फ, द हाइंडगट इज, ठीक है, ब्रॉडर देन द मिडगट एंड इज डिफरेंशिएट इनटू, तीन पार्ट बताए थे मैंने, इलियम, कोलोन और रेक्टम, रेक्टम में मैंने बताया भी था, रेक्टम एनस में ओपन करता है, इसमें 6 रेक्टल पैपिला होते हैं जो वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ये खत्म हो गया आपका कौन सा वाला पार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम,
समझ में आया या नहीं आया? प्रॉमिस विल क्रैक नीट एग्जाम 2023। बिल्कुल बेटा, तेरे साथ मैं हमेशा हूं, ठीक है, हर उस बच्चे के साथ हूं जो वास्तव में कसम खाता है कि इस बार हम नीट क्रैक करके मानेंगे। हर उस बच्चे के साथ खड़ा हूं, मैं सच में कह रहा हूं, हर उस बच्चे के साथ हूं और पूरी दम लगाऊंगा, पूरी दम। इन सब पर मैंने, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन भी बनाए हैं तो उसको भी लेके चलेंगे। एक पार्ट हमारा फिनिश हो गया, मुझे नहीं लगता उसमें कोई डाउट आपको आएगा। पूरा मैंने बिना एनसीईआरटी करा दिया, एक सिस्टम मेरा एकदम परफेक्टली सेट है। सेकंड सिस्टम के अंदर एंटर कर रहे हैं हम सर्क्यूलेटरी सिस्टम, ये एक सबसे बड़ा सिस्टम यही और है, फिर छोटे छोटे सिस्टम्स हैं, सर्क्यूलेटरी सिस्टम थोड़ा बड़ा है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आज दो ही सिस्टम कराते हैं, सर्क्यूलेटरी और करा देते हैं, हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब सर्क्यूलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, सर्क्यूलेटरी सिस्टम की अगर बात करते हैं तो हमारा हो या उसका हो, हर जीव का, हर एनिमल का सर्क्यूलेटरी सिस्टम तीन चीजों के मिलने से बनता है, ठीक है। क्या क्या? हार्ट, क्या क्या? हार्ट। भाई हर एनिमल का, भाई हर एनिमल के सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात की जाए, मेनली थ्री चीजों के मिलने, भाई थ्री सबस्टेंस जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मेनली क्या क्या? क्रॉप, गिजार्ड एंड, भाई क्या क्या चीज होंगी, मेन तीन चीजें, ठीक है, उसको ध्यान से समझना है। नंबर वन ब्लड, हार्ट और वेसल्स, ये ध्यान रखना है। तो तीन चीजें हम यहां भी लेके चल रहे हैं। अच्छा, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का होगा, ओपन या क्लोज? सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का होगा, ओपन या क्लोज? जरा बताओ भाई, ओपन टाइप, ओपन टाइप। भाई इंसेक्ट या कॉकरोच के अंदर हम देखते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन टाइप का मतलब है कि सारे के सारे ऑर्गन एक ब्लड कैविटी में पड़े होते हैं, जिसको हम हीमोसील बोलते हैं, जिसके अंदर ऑर्गन, पर्टिकुलर ऑर्गन की सप्लाई के लिए ब्लड वेसल्स नहीं होते, ओपन टाइप। बहुत बढ़िया, ओपन टाइप, ओपन टाइप। इसको हम थ्री पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम को तीन चीजों के मिलने से बनता है। नंबर वन क्या होगा इसके अंदर, हार्ट होगा। नंबर टू, नंबर थ्री, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से, नीट का क्वेश्चन भारी नहीं जाएगा इसमें। एक तो हार्ट होगा, ठीक है, दूसरा ब्लड कैविटी होगी, या ब्लड लिख देते हैं ब्लड, तीसरा ब्लड कैविटी होगी, अगर मैं हार्ट की बात करता हूं तो यहां हार्ट कैसा होता है, एक हार्ट होता है, 13 चैंबर हार्ट होता है, कितना है चैंबर, 13 चैंबर हार्ट होता है, पहली बात। दूसरा ध्यान रखना है, ट्यूबुलर हार्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर, न्यूरोजेनिक या मायोजेनिक, मा न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, समझो। इसका जो हार्ट होता है ट्यूबुलर होता है, ट्यूब के जैसा ट्यूबुलर हार्ट होता है। एनसीईआरटी का डायग्राम दिखा देता हूं मैं, देखो इसके हार्ट में चैंबर्स होते हैं, 13 चैंबर्स होते हैं इसके हार्ट में, कितने चैंबर्स होते हैं, 13 चैंबर्स होते हैं इसके हार्ट के अंदर, ठीक है, ट्यूब के जैसा होता है, डॉर्सल साइड में दिख रहा है, ट्यूबुलर हार्ट होता है, 13 चैंबर होता है, न्यूरोजेनिक होता है। भाई हमारा हार्ट तो मायोजेनिक होता है, मायोजेनिक, मायोजेनिक का मतलब है जो अपना सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन कर लेता है, हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं है, अपना खुद कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। पर न्यूरोजेनिक हार्ट जो होते हैं ना, वो अपनी इच्छा पर डिपेंड नहीं करते, सॉरी वो सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, वो इच्छा पर डिपेंड करते हैं। ये चाहे तो अपने हार्ट को रोक लेगा, भाई रुक जा, रुक गया, भाई चालू हो जा, चालू हो गया, भाई रुक जा, रुक गया। न्यूरोजेनिक यानी न्यूरॉन पर उसका जनरेशन डिपेंड है, तो ऐसे हार्ट को हम न्यूरोजेनिक हार्ट बोलते हैं। और जिसका जनरेशन न्यूरॉन पर डिपेंड नहीं है, वो सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, वो मायोजेनिक है। मायो मतलब कॉन्ट्रैक्शन, सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन करने में कैपेबल है, वो मायोजेनिक होता है, समझे? मायो 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 नहीं, हमारा हार्ट कैसा होता है, मायोजेनिक। जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उनका हार्ट मायोजेनिक होता है, जितने भी नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनका हार्ट न्यूरोजेनिक होता है, समझे? चलो अच्छा, ब्लड की बात करते हैं अगर इसको, तो इसके ब्लड को हम क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ कैसा होता है, कलरलेस होता है, विदाउट रेस्पिरेटरी पिगमेंट,
विदाउट रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होते। और हीमोलिम्फ के अंदर बात करता हूं, इसके अंदर क्या होते हैं, हेमेटोसाइट्स होते हैं। हिमेटोसाइट्स क्या होते हैं, ब्लड फॉर्मिंग सेल्स। चलो, ब्लड कैविटी, ब्लड कैविटी को क्या बोलते हैं, हीमोसील। हीमोसील एक ऐसी कैविटी, क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स तो होते नहीं है, हीमोसील होती है जिसमें ब्लड भरा हुआ होता है। ब्लड का मतलब हीमो, लिम्फ भरा हुआ होता है, लिम्फ का मतलब कलरलेस, जिसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होते, बस हेमेटोसाइट्स होते हैं, ठीक है, जो ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं ब्लड सेल्स, ठीक है, तो हीमोसील बोलते हैं। तो एक्चुअल में इसमें तीन पार्ट हो गए, हार्ट हो गया, ब्लड हो गया, ब्लड कैविटी हो गई। हार्ट 13 चैम्बर्ड होता है, ट्यूबुलर होता है, न्यूरोजेनिक होता है। ब्लड की बात करते हैं, इसको हीमोलिम्फ बोलते हैं, कलरलेस होता है, विदाउट रेस्पिरेटरी पिगमेंट। जैसे हमारे हार्ट, हमारे ब्लड के अंदर तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है ना, तभी तो रेडिश कलर का होता है। इसके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं होता, इसलिए कलरलेस होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें होते क्या है, इसमें हीमेटोसाइट्स होते हैं, ब्लड फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है, वो एनसीईआरटी ने भी दे रखा है, हमने भी बता दिया आपको, ठीक है। ब्लड कैविटी में क्या होता है, ब्लड कैविटी को क्या बोलते हैं, हीमोसील बोलते हैं, जिसके अंदर ये ब्लड हीमोलिम्फ भरा हुआ होता है। तीन चीजों में डिवाइड कर दिया इसको, मेन चीज। अब आ जाओ एनसीईआरटी के ऊपर, एक डायग्राम बना करके पूरा क्लियर कर देंगे। इसकी नेक होती है फ्लेक्सिबल नेक, जो हेड जैसे जुड़ा हुआ होता है, इसके अंदर दो डायफ्राम होते हैं ऐसे, वन परफोरेटेड छिद्र युक्त, ठीक है, समझने की कोशिश करना। ऊपर तो आपको हार्ट देखने को मिलेगा, ऊपर वाली चैम्बर में हार्ट, वन चैम्बर, टू चैम्बर, थ्री चैम्बर, फोर चैम्बर, फाइव चैम्बर, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, और यहाँ आ गया थर्टीन, डॉर्सल एओर्टा, थर्टीन चैम्बर। तो ऐसे इसके पास 13 चैम्बर सिंगल हार्ट होता है, और इस हार्ट को डायफ्राम से जोड़ने के लिए यहाँ कुछ मसल्स भी होते हैं, इनको एलरी मसल्स बोलते हैं, एलरी मसल्स, 13 पेयर होते हैं एलरी मसल्स, यहाँ दिखा रखा है अच्छी तरीके से। एक डायग्राम में थोड़ा अच्छे से और दिखाता हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेम चीज इधर सब जगह ऐसा ही होगा, ठीक है। अब इस पर फोकस करना, यहां पर ये ऐसे ऐसे ओपनिंग्स होंगे, यहां पर ये ओपनिंग्स होंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, और यहां पर ये मसल्स होंगे, ये एलरी मसल्स, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा हार्ट का, ठीक है, ये क्या है, एलरी मसल्स।
कितने होते हैं एलरी में सर? 13 पेयर, थर्टी सॉरी 12 पेयर। ठीक है, इसके अलावा यहां पर छोटे छोटे ऑस्टिया भी दिख रहे हैं, ऑस्टिया। ठीक है, ये पेयर में होते हैं, टोटल 12 पेयर होंगे। ठीक है, लिख देता हूं एब्सेंट इन बस आपके लिए उतना सफिशियंट है। ऑस्टिया कितने पेयर होते हैं? 12 पेयर। चैंबर कितने होते हैं? 13। हर चैंबर में वन पेयर ऑस्टिया होते हैं एक्सेप्ट प्रोथोरेसिक चैंबर। ठीक है, एक चैंबर ऐसा होता है जो प्रोथोरेक्स में होता है, उसमें ऑस्टिया नहीं होते, बस एक को छोड़कर के। तो टोटल 12 पेयर होते हैं। ठीक है, एलरी मसल्स भी 12 पेयर होते हैं, समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे ही यहां एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर और दिखता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको नर्व कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, यहां दो तो डायफ्राम हो गए, अब मैं लिखना चालू कर रहा हूं, ये तो डायफ्राम हो गए, ये और ये तो डायफ्राम हो गए, डायफ्राम। जिनमें छिद्र होते हैं परफोरेटेड, ये हर्ट हो गया 13 चैम्बर्ड हर्ट, ये नर्व कॉर्ड हो गई, यहां तीन कैविटी दिख रही हैं, एक जिसमें हार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, इसमें ऑर्गन होते हैं तो पेरी विसरल कैविटी, इसमें नर्व कॉर्ड होती है तो पेरी न्यूरल कैविटी। तीन कैविटी हो गई, पेरिकार्डियल, पेरी कार्डियल कैविटी या साइनस बोल सकते हो, साइनस मतलब कैविटी, पेरी विसरल, पेरी न्यूरल। अब समझो, अभी मैंने आपको बेसिक सी बातें बताई हैं, ठीक है, बेसिक सी बात बताई है आपको कि इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइडेड है? थ्री पार्ट में, हार्ट, ब्लड और ब्लड कैविटी। हार्ट 13 चैम्बर्ड होता है, ट्यूबल होता है, न्यूरोजेनिक होता है। ब्लड को हीमोलिम बोलते हैं क्योंकि कलर लेस होता है, विदाउट रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इसको पिगमेंट की जरूरत नहीं होती। कंटेन हीमो हेमेटोसाइट्स, इसके ब्लड में हेमेटोसाइट्स होते हैं, ब्लड फॉर्मिंग सेल्स। जो ब्लड कैविटी होती है इसको हीमोसील बोलते हैं, हीमो सील, सील माने कैविटी या गुहा, समझ रहे हो ना, या साइनस कुछ भी बोल सकते हो। और इस हीमोसील को हम थ्री पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इस हीमोसील को हम थ्री पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। थ्री साइनस, वो थ्री साइनस कौन कौन से थे? पेरी, पेरिकार्डियल साइनस, पेरी विसरल साइनस, पेरी न्यूरल साइनस। ये थ्री टाइप के साइनस थे। पेरिकार्डियल साइनस में क्या होगा? हार्ट। पेरी विसरल साइनस में क्या होंगे? ऑर्गन। पेरिन्यूरल साइनस में क्या होगा?
नर्व कॉर्ड। तो एक्चुअल में इसका जो हीमोसीलस को थ्री पार्ट में डिवाइड कर दिया है हमने, पेरिकार्डियल, पेरिविसल और पेरी न्यूरल। पेरिकार्डियल में हार्ट होगा, पेरिविसल में ऑर्गन होंगे और पेरिन्यूरल के अंदर नर्व कॉर्ड होगी। ये पूरा इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। और आगे जो दिख रहा है ना, इसका ये डॉर्सल एओर्टा है, ये डॉर्सल एओर्टा है, एंटीरियर, एंटीरियर एओर्टा बोलोगे, एंटीरियर ही बोलेंगे अच्छी, हाँ आगे की साइड में, डॉर्सल साइड में तो होता ही है क्योंकि हर्ट की पोजीशन क्या है, डॉर्सल, ठीक है, ध्यान रखना है। हर्ट कैसा है, डॉर्सल हर्ट, भाई ऊपर डॉर्सल व्यू है, नीचे वाला वेंट्रल होगा, वेंट्रल साइड में क्या होती है, नर्व कॉर्ड, ठीक है। नर्व कॉर्ड कहां होती है, वेंट्रल, नर्व कॉर्ड कहां है, वेंट्रल। हर्ट कहां होता है, डॉर्सल। ये क्या है, एंटीरियर, आगे वाला पार्ट एंटीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर, एंटीरियर एओर्टा, एंटीरियर एओर्टा, एनसीईआरटी में रखा है एंटीरियर एओर्टा। अब एक क्वेश्चन बनता है जो इस डायग्राम से बनता है, तो ध्यान रखना होगा आपको, ये पहले तो एलरी मसल्स के बारे में दे रखा है, ये दिख रही है ना, ये सब एलरी मसल्स हैं, ये एलरी मसल्स हैं, ठीक है। ये चैम्बर के बारे में दे रखा है, ये चैम्बर है, चैम्बर ऑफ हार्ट। कभी कभी डायग्राम साफ नहीं होता, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, तो पहले एलरी मसल्स के बारे में दे रखा है, फिर चैम्बर ऑफ हार्ट के बारे में दे रखा है, ये समझना होगा आपको, ठीक है। अब हार्ट की अगर बात करते हैं तो हार्ट का मैकेनिज्म क्या है, ये एनसीईआरटी में नहीं है पर तुम्हारे दिमाग में तो चल रहा होगा ना, तो उसको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। बस समझना है, लिखना नहीं है, ठीक है, समझना है, लिखना नहीं है, ठीक है, वापस आ जाओ। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब डायफ्राम कौन, जब भी सर्कुलेशन करना होता है ना, उसकी इच्छा होती है, इसको इसको मन कर रहा है कि भाई आज मुझे क्या करना है, सर्कुलेशन करना है, ठीक है, अपने ब्लड को फ्लो कराना है, तब क्या काम करेगा, ये डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डायफ्राम कैसे होता है, फ्लैट, रिलैक्स डॉम से फ्लैट कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स, फ्लैट रिलैक्स, ठीक है। तो समझ लो, जब कॉन्ट्रेक्शन होगा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और कौन से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एलरी मसल्स, तो एलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो डायफ्राम बिकम फ्लैट, जब डायफ्राम नीचे आएगा, डायफ्राम फ्लैट होगा तो जरा बताओ ऊपर वाली कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा, जब डायफ्राम नीचे आ गया तो इस वाली कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया ना, तो पेरिकार्डियल कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो ब्लड का मूवमेंट कहां से कहां होगा, पेरिविसरल से पेरिकार्डियल के अंदर होगा, पेरिविसरल से पेरिकार्डियल में, ठीक है, हो गया। फिर डायफ्राम जब अपनी जगह जाएगा ना, जब अपनी जगह जाएगा तो ब्लड के ऊपर प्रेशर डालेगा, उस प्रेशर से सारा ब्लड इन ऑस्टिया से होता हुआ इन सारे चैंबर्स में फिल हो जाएगा, सारा ब्लड इन चैंबर्स में फिल हो जाएगा, सारे ऑस्टिया से होता हुआ इन चैंबर में फिल हो जाएगा, समझ रहे हो, यानी हार्ट के सारे चैंबर फिल हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दीज ऑस्टिया, इन ऑस्टिया की हेल्प से फिल हो गए सारे के सारे। जब सारे चैंबर भर जाएंगे तो पीछे से आगे की साइड में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, पीछे से आगे की साइड में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, पीछे से आगे की साइड में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो सारा ब्लड यहां से होता हुआ एओर्टा से तो हुआ वापस वहीं आ गया, फिर सर्कुलेशन करना है, फिर से यही मैकेनिज्म, तो सर्कुलेशन कराने के लिए उसको बार बार यही मैकेनिज्म करनी होगी, ठीक है। इस मैकेनिज्म से आपका कोई संबंध नहीं है, पर फिर से मैं समझा रहा हूं, सबसे पहले एलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो डायफ्राम क्या होता है, फ्लैट, जब डायफ्राम फ्लैट होता है तो ऊपर वाली कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज, जब ऊपर वाली कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो सारा ब्लड नीचे से कहां जाएगा, ऊपर की साइड में मूव करना चालू कर देगा, क्योंकि डायफ्राम छिद्र युक्त है, परफोरेटेड है। जब डायफ्राम, जब एलरी मसल्स रिलैक्स करेंगे तो डायफ्राम वापस ऊपर जाएगा, डायफ्राम ऊपर जाएगा तो ब्लड के ऊपर प्रेशर डालेगा, उस प्रेशर में आके सारा ब्लड हार्ट के चैंबर में एंटर कर जाएगा, तो ब्लड की एंट्री कहां होगी, हार्ट के चैंबर में, ब्लड की एंट्री कहां होगी, हार्ट के चैंबर में, तो ब्लड की एंट्री कहां होने वाली है, हार्ट के चैंबर में, तो सारा ब्लड हार्ट के चैंबर में आ जाएगा, सारे चैंबर भर जाएंगे, फिर पीछे से आगे की तरफ क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, पीछे से आगे की तरफ क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, जब पीछे से आगे की तरफ कॉन्ट्रैक्शन होगा, सारा ब्लड यहां से कहीं बाहर तो निकल नहीं सकता, क्योंकि ये ऑस्टिया भी वॉल्व की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, पेयर्स में होते हैं, ठीक है, वॉल्व की तरह काम कर रहे हैं, अंदर जा सकता है ब्लड पर बाहर नहीं निकल सकता, सीधा ब्लड कहां आएगा, आगे की साइड में, और एटा से तो वापस वही, फिर से सेम मैकेनिज्म, फिर से सेम मैकेनिज्म रिपीट होगी, और इसका रिपीटेशन सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ में आई, समझ में आ गई होगी मुझे लग रहा है, ठीक है। तो आज दो सिस्टम मैंने करा दिए, ठीक है, इतना सफिशियंट है, इतना सफिशियंट है, इससे आज चक्री नहीं है, पर एनसीईआरटी से भी देख लो उसको, एक बार एनसीईआरटी से और दिखा दूं तब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, हाँ भाई ठीक है।
ये फिनिश हो गया था हमारा। आगे देखो रेस्पिरेटरी, चलो आज कल कर लेना, सर्कुलेटरी देख लो आज। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज एन ओपन टाइप, बता दिया मैंने किस टाइप का होता है, ओपन टाइप। ठीक है, द ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप, मतलब नहीं होते, ओपन टाइप में पुअरली डेवलप होते हैं। ठीक है, एंड ओपन इन टू स्पेस, यानी ब्लड कहां पर एंटर करता है, स्पेस में, इसको क्या बोलते हैं, हीमोसील। ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा तो हीमोसील होगी। विसरल ऑर्गन, यानी इसके सारे जो ऑर्गन है वो इसी कैविटी के अंदर हीमोसील में प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड इन हीमोसील, हीमोसील में प्रेजेंट होंगे। और बाथेड इन ब्लड, और ब्लड में डूबे हुए होंगे, ब्लड को क्या बोलेंगे, हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ में डूबे हुए होंगे। चलो, द हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ, हीमोलिम्फ में क्या होता है, कलरलेस प्लाज्मा होता है। क्या होता है, कलरलेस प्लाज्मा, क्योंकि इसमें पिगमेंट नहीं होते। इसके अलावा हेमेटोसाइट्स इसके अंदर होते हैं जो ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं, मैंने बताई दिया आपको। हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड, इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ट्यूबुलर हार्ट बोलते हैं। लाइनिंग अलोंग मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स, थोरैक्स की मिड डॉर्सल लाइन तक, थोरैक्स की मिड डॉर्सल लाइन तक, ठीक है, एंड एब्डोमिन, एब्डोमिन में तो होगा, पर थोरैक्स की मिड डॉर्सल लाइन, डॉर्सल साइड में होता है, वेंट्रल साइड में नहीं, तो डॉर्सल लाइन में होता है, मिड डॉर्सल होता है। हार्ट की पोजीशन क्या है, मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमिन, थोरैक्स और एब्डोमिन की मिड डॉर्सल लाइन, मैंने बताया था। हार्ट की पोजीशन अगर हम बात करेंगे, हार्ट की पोजीशन सर डायग्राम दिखाई चुका हूं मैं आपको, ठीक है। इट इज डिफ्रेंशिएट इनटू फनल शेप चैम्बर विद ऑस्टिया, फनल शेप चैम्बर विद ऑस्टिया ऑन एंटायर साइट, दोनों साइड में इसके ऑस्टिया होते हैं, ठीक है। फनल शेप चैम्बर्स विद ऑस्टिया ऑन एंटायर साइट, दोनों साइड में, लेफ्ट राइट। ब्लड फॉर्म्स साइनस एंड, ब्लड फॉर्म्स साइनस एंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया, ब्लड फ्रॉम साइनस, साइनस से ब्लड कहां जाता है, हार्ट में जाता है, किसके थ्रू जाता है, ऑस्टिया के थ्रू जाता है, एंड इज पंप्ड एंटीरियरली टू साइनस अगेन, और घूम करके वापस वहीं आ जाता है। ये पूरी लाइन मैंने समझा दी आपको, पूरी लाइन समझा दी मैंने, एंड घूम के वापस वहीं आ जाता है। ये खत्म हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बताओ समझ में आया सर्कुलेटरी सिस्टम या नहीं आया, आइदर साइड, ठीक है, लेटरल साइड में, पेयर में होते हैं दोनों साइड में, ठीक है, मतलब हार्ट के दोनों साइड में ऑस्टिया लगे होते हैं, मतलब हर चैम्बर जहां कनेक्ट हो रहा है वहां ऑस्टिया है। डायग्राम बना के दिखा चुका हूं मैं आपको, इसी चीज को समझाने के लिए डायग्राम समझा दिया है मैंने, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ओके, अब क्वेश्चन पर आ रहा हूं, एनसीईआरटी मैंने आपकी करा दी है पूरी, एनसीईआरटी मैंने पूरी करा दी है आपकी कंप्लीटली, आपका पूरे कंसेप्ट बता दिए, रिवीजन भी करा दिया है कॉकरोच का। अब जरा जरा से दो सिस्टम बचे हुए हैं, एक रेस्पिरेटरी, एक एक्सक्रीटरी, ठीक है, एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा समझने वाला है। ये तीन सिस्टम करा करके अगली क्लास में हम डाइजेस्टिव चालू कर देंगे, ठीक है, डाइजेस्टिव चालू हो जाएगा। ओके, अगली क्लास का मतलब है परसों, क्योंकि मंडे को कल ऑफ है, ठीक है, और ट्यूसडे को हमारी क्लास होगी, उसमें हम इसको कंटिन्यू कर देंगे, मतलब ट्यूसडे को हमारा डाइजेस्टिव स्टार्ट हो जाएगा हर हालत में, ठीक है, हर हालत में, क्योंकि पढ़ना भी है और सिलेबस टाइम से करना भी है, ठीक है। लास्ट ईयर भी मेरी यही मुहिम थी यार, जो टाइम दे रखा है उससे दो दिन पहले कम से कम मैं कराऊंगा, ठीक है, दो दिन पहले, और वो प्रॉमिस भी किया मैंने, दो दिन पहले पूरा सिलेबस कराया था, एक एक सिलेबस को कंसेप्चुअल लेके चला था, कहीं जल्दीबाजी नहीं की मैंने, एक एक चीज को बहुत सिस्टमेटिक वे में लास्ट तक सेम रिदम से लेके चला हूं। वही मैं अपने बच्चों से कहता हूं कि रिदम मेंटेन रखो अपनी लास्ट तक, तो समय से पहले सिलेबस भी खत्म होगा, रिविजन भी प्रॉपर होगा, और आप एग्जाम फोड़ के भी आओगे। पर एक दिन आप तेज कर लेते हो, फिर स्लो हो जाते हो, फिर तेज कर लेते हो, फिर स्लो हो जाते हो, इसमें रिदम बिगड़ती है और सिलेक्शन छूटता है। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लो तो सिलेक्शन झक मार के होगा। कंसिस्टेंसी, रिदम मेंटेन रखो, बहुत चीजें, बहुत तरीके से आप चलते हो, ठीक है। चलो वापस आ रहे हैं बेटा, अब हम चल रहे हैं आपने क्वेश्चन की सीरीज पर आ रहा हूं मैं, ठीक है, क्वेश्चन की सीरीज पर आ रहा हूं। एनसीईआरटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, दो सिस्टम मैंने आज बहुत अच्छी तरीके से करा दिए हैं आपके, रेस्पिरेटरी मैं कल कराऊंगा और एक्सक्रीटरी भी कल कराऊंगा, ठीक है। अब एनसीईआरटी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है, एक बार चेक कर लूं पोल्स की, पोल की आईडी मुझे आई या नहीं आई,
आ गई होगी तो पोल जनरेट करेंगे, नहीं आई होगी नहीं आई, कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है अगली वाली क्लास के अंदर पोल जनरेट करेंगे, क्योंकि आज क्वेश्चन पोल वाले नहीं है, क्वेश्चन समझने वाले हैं, एआर हैं और स्टेटमेंट वाले हैं, मोस्टली एआर स्टेटमेंट वाले, तो जल्दीबाजी मत करना, दिमाग लगा के रिस्पॉन्स देना, ठीक है। सब एनसीईआरटी से हैं, पहला क्वेश्चन, नंबर वन क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस है, जल्दीबाजी मत करना, मुझे स्क्रीन पर चाहिए, जो बच्चा पहले देगा मैं बिल्कुल स्क्रीन पर फोकस कर रहा हूं, रिस्पॉन्स दो पहले फटाफट, क्या आएगा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स क्या आएगा, ठीक है आपके सामने क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स दो क्या दे रहे हैं, जो बच्चे, बहुत बढ़िया बच्चों ने बिल्कुल सही पकड़ लिया, कुछ ने गड़बड़ किया बाद बाकी ने सबने सही पकड़ा, जो थर्ड लगा रहे हैं और सबने ही सही पकड़ लिया भाई, सबने ही सही सही पकड़ा, थर्ड जो थर्ड लगा रहे हैं बिल्कुल सही। अभी मैंने बताया भी था कि एब्डोमिन इन मेल कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट, फीमेल 8 सेगमेंट, ऐसा नहीं होता, मैंने बोला भी था कि मेल हो या फीमेल दोनों के अंदर एब्डोमिन का सेगमेंट एक ही होगा, करेक्ट इनकरेक्ट, ऑप्शन कौन सा आएगा, थर्ड, थर्ड आएगा, ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। आगे चलते हैं, थोड़ा बड़ा है, एसर्शन रीजन है, एसर्शन रीजन, देखूं क्या लगाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू का 1 2 3 4, टू का 1 2, ऐसे लगो टू का 1 या टू का 3, बताओ क्या होगा इसका, कई बच्चे 2 लगा रहे हैं, कई बच्चे 1 लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एआर एआर फर्स्ट, जो बच्चे फर्स्ट लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं, बिल्कुल सही, अभी समझाया था मैंने, फीमेल के अंदर 7th sternum इज बोट शेप एंड टुगेदर विद 8th and 9th sternum एक ब्रॉड पाउच बनाता है, इसको जेनिटल पाउच भी बोलते हैं, बिल्कुल सही, ब्रॉड बनता है, ब्रॉड क्यों बनता है, क्योंकि इंटीरियर पार्ट पर जेनिटल पाउच में क्या क्या होता है, फीमेल गोनोपोर होता है, स्पर्मेथिकल पोर होते हैं, कोलेटरल ग्लैंड होते हैं, जिस वजह से वहां पर ये ब्रॉड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, बोट शेप हो जाता है, आप समझ रहे हो, इसे कहते हैं कंसेप्ट, एनसीईआरटी ने इसे बोट शेप दे रखा है, क्यों होता है बोट शेप, क्योंकि वहां ब्रॉड होता है, क्यों होता है, क्योंकि वहां तीन तीन ओपनिंग मिलती है, इसलिए एंटीरियर वाला पार्ट ब्रॉड हो जाता है, बहुत सही बहुत बढ़िया, जो बच्चे फर्स्ट लगा रहे हैं एब्सोल्यूटली राइट। स्टेटमेंट गिविंग बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन नॉक्टर्नल ओमनीबोरस दैट लाइव इन डैम प्लेसेस थ्रू आउट द बर्ड, स्टेटमेंट टू रेजिडेंट ऑफ द ह्यूमन होम एंड आर, ठीक है, सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर फॉर सेवरल डिसीज, क्या लगाओगे इसका जरा बताओ, क्या लगाने वाले हो, जो फर्स्ट लगा रहे हैं वो सही, बिल्कुल सही, सुपर नंबर फर्स्ट, क्योंकि भाई दोनों एनसीईआरटी की लाइन है, नॉक्टर्नल होता है, ओमनीवोर्स होता है, दैट लाइव इन डैम प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड, और सेवरल डिसीज के लिए इसका भी काम करता है, बिल्कुल सही। जरा देखो अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, अगेन स्टेटमेंट, दिमाग लगाओ, गिविंग बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट हेड इज ट्रायंगुलर एनसीईआरटी की लाइन इन शेप एंड लाइज पोस्टीरियरली एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस, स्टेटमेंट टू फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, हेड की बात चल रही है, हेड के 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बनता है, एंड शो ग्रेट मोबिलिटी इन 1 डायरेक्शन ड्यू टू द फ्लेक्सिबल इन द एब्डोमिन, क्या लगाओगे, सही लगाओ भाई सही लगाओ, दिमाग लगाओ,
क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है बेटा ये, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बताओ क्या लगाओगे इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। यहां तो गड़बड़ कर गए, बहुत कम बच्चे सही दे रहे हैं, यहां गड़बड़ कर गए भाई। इसका क्वेश्चन आएगा बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, सेकंड जो सेकंड लगा रहे हैं वो सही है। देखो हेड इज ट्रायंगुलर, सही है, इन शेप एंड लाई पोस्टीरियरली, नो एंटीरियर होता है, एट राइट एंगल टू लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस, एंटीरियर पोस्टीरियर एंटीरियर आगे होता है हेड, ठीक है ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, हेड फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ सिक्स सेगमेंट, ठीक है, एंड शो ग्रेट मोबिलिटी इन वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन में नहीं ऑल डायरेक्शन, ड्यू टू फ्लेक्सिबल इन द एब्डोमेन, एब्डोमेन नेक थोरैक्स, भाई नेक फ्लेक्सिबल नेक होती है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, नेक होगी, ठीक है, नेक फ्लेक्सिबल होती है जो थोरैक्स से जुड़ी होती है, दोनों ही इनकरेक्ट हो जाएंगे। एसर्शन रीजन, नेक्स्ट क्वेश्चन एसर्शन रीजन, एक दिन तबीयत बहुत खराब थी मेरी, शायद मैं क्लास ले नहीं पाया था, उस वजह से मैंने संडे को आज क्लास लगाई है आपकी, ठीक है, और संडे को अक्सर कर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा आपको लाइव, ध्यान रखना हर संडे को आपका लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा। अब रूटीन में क्वेश्चन ना लेकर के मैं संडे को ही लिया करूंगा, क्योंकि एक दो बच्चों ने मुझे बताया कि सर रूटीन में आप क्वेश्चन देते हो तो हम उनका प्रिंट नहीं निकलवा पाते, आप एक दिन ही क्यों ना सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दो जिससे हम उसका प्रिंट निकाल पाए, ठीक है, तो उसकी बात सही लगी मुझे, जो बच्चे प्रिंट नहीं निकालते सिर्फ एक दिन चाहते हैं तो हम संडे को एक साथ प्रिंट निकलवा देंगे आपका, सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे पूरे चैप्टर के, जितना पार्ट हमारा हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो द क्रॉप इज, ठीक है, फॉलोड बाय प्रोवेंट्रिक्यूलस, इट हैज एन आउटर लेयर ऑफ थिक, किसकी बात चल रही है, एसेशन रीजन, थिक सर्कुलर मसल्स एंड थिक इनर सर्कुलर फॉर्मिंग सिक्स हाईली कैटिनियस प्लेट कॉल्ड टीथ, ठीक है, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए, क्या लगा रहे हो उसका, बच्चे फर्स्ट लगा रहे हैं, देखो क्रॉप इज फॉलोड बाय प्रोवेंट्रिक्यूलस यानी गिजार्ड की बात कर रहा है, इट हैज एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्क्यूलर मसल्स, बिल्कुल सही बात है, इसमें सर्क्यूलर मसल्स होते हैं, एंड थिक इनर सर्क्यूलर फॉर्मिंग सिक्स काइटिनियस प्लेट कॉल्ड टीथ, ठीक है समझे, ठीक है, क्रॉप इज फॉलोड बाय प्रोवेंटिकुलस, क्रोवेंटिकुलस से फॉलोड होती है, एंड इट हैज एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्क्यूलर, ठीक है फर्स्ट लगाओ उसका, ए क्रॉप प्रोवेंटिकुलस, प्रोवेंटिकुलस क्या होता है, इट इज अ, ठीक है फर्स्ट लगा दो, फर्स्ट जो लगा रहे हैं सही लगा रहे हैं, ठीक है फर्स्ट ही लिखेंगे इसको, ठीक है जो फर्स्ट लगा रहे हैं बिल्कुल, थर्ड क्यों हो जाएगा भाई, थर्ड क्यों हो जाएगा, एनसीईआरटी की लाइन है, द क्रॉप इज फॉलोड बाय प्रोवेंट्रिकुलस, क्रॉप प्रोवेंटिकुलस को फॉलोड करती है, अगर प्रोवेंटिकुलस गिजार्ड की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है बेटा, इट हैज आउटर थिक, इसमें आउटर थिक सर्कुलर मसल्स होते हैं कॉन्ट्रेक्शन के लिए, ठीक है, और इनर थिक क्यूटिकल की मेम्ब्रेन होती है जो हाईली सिक्स हाईली काइटिनियस प्लेट, सिक्स काइटिनियस प्लेट से मिलकर के बनी होती है, इसको टीथ बोलते हैं, समझे, नेक्स्ट ऐसा, इन मेल जेंटल पाउच चैम्बर लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ एब्डोमेन, बाउंडेड डोर्सली बाय नाइंथ एंड सेगमेंट टर्गा एंड वेंट्रली बाय नाइंथ स्टर्ना, ठीक है, इट कंटेन डोर्सल एनस वेंट्रल मेल जेनेटल पोर एंड गोनेपोफाइसिस, क्या लगाने वाले हो, वन टू थ्री फोर, अरे जल्दी बोलो, अरे बिल्कुल इसका वन लगाओगे, मैंने था ना मेल के अंदर जेनेटल पाउच चैम्बर होता है, ठीक है, एब्डोमेन किस किस सेगमेंट के फ्यूज होने से, नाइन्थ सेगमेंट ये और ठीक है वेंट्रल साइड पर ये, क्यों, क्योंकि इट कंटेन डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड पर एनस होता है, वेंट्रल साइड पर मेल जेनिटल पोर होते हैं, तो ऊपर थोड़ा ब्रॉड होता है नीचे नैरो होता है, गोनेपोफाइसिस, फर्स्ट ही लगा दो उसका भी, मेल जेनिटल पाउच चैम्बर लाए एट द, मैंने तरह ऊपर से ब्रॉड है नीचे से नैरो है,
ऊपर से ब्रॉड नीचे से नैरो, ठीक है। इट कंटेन डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड पर एनस होता है, वेंट्रल साइड पर जेनिटल पोर होता है जिसमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया निकले होते हैं, ठीक है। इसको गोनेपोफाइसिस भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर द पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना 34 to 53 mm लॉन्ग विद विंग्स, बताओ फटाफट। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 1 1 नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? 1 2 3 4 जो फोर लगा रहे हैं बिल्कुल सही, जो फोर लगा रहे हैं बिल्कुल सही, ओनली बी नहीं। इतने एम लॉन्ग विद विंग्स, विंग्स के संग लॉन्गनेस नहीं बात नहीं करते हम, ठीक है। विद विंग्स दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द हेड इन मेल्स, ये भी गलत दे दिया, ठीक है। बॉडी ऑफ द कॉकरोच, क्योंकि ये लेंथ की बात की थी हमने पूरे कॉकरोच की, तो बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज सेगमेंटेड एंड डिवाइडेबल इनटू थ्री रीजन, हेड थोरैक्स एब्डोमेन। अच्छा, द बॉडी ऑफ कॉकरोच, ठीक है बिल्कुल सही, एनसीईआरटी लाइन हो गई। नेक्स्ट देखो, अ पार्ट ऑफ बॉडी इज कवर्ड बाय द सॉफ्ट, सॉफ्ट काइटिनियस नहीं होती, हार्ड काइटिनियस होती है। एंडोस्केलेटन नहीं होता, एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग हो गया, ओनली बी, बी ऑप्शन सही है, फोर्थ, जो फोर्थ लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट फिर दो आगे, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इंटू थ्री रीजन, फोरगट मिडगट हाइंडगट, बिल्कुल सही है। माउथ ओपन इंटू लॉन्ग ट्यूबुलर फैरिंग्स लीडिंग टू अ वाइड ट्यूबुलर पैसेज, क्या लगाओगे इसके अंदर फटाफट बताओ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पढ़ लो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड, जो थर्ड लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट भाई, थर्ड बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट फर्स्ट, एलिमेंट्री कैनाल प्रोसेस, ठीक है, कैविटीज बिल्कुल सही है। रीजन माउथ ओपन इनटू लॉन्ग नहीं था, ठीक है, शॉर्ट था, ट्यूबुलर पार्ट फेरिंग्स लीडिंग टू वाइड ट्यूबुलर पैसेज, वाइड नहीं था, नैरो था, याद हो मैंने बताया भी था, फोकस भी किया था। तो सेकेंड वाला रॉन्ग हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आएगा इसका, एनसीईआरटी की लाइन्स हैं दोनों। अच्छा जरा बताओ एबीसीडी आइडेंटिफाई करो फटाफट। ए ओसिलस, ओसिलस मिल गया, बी कंपाउंडाइज मिल गया, सी, सी में देखो सी मैक्सिला, ठीक है मिल गया, डी देखो डी, डी पीछे लोअर लिप, डी लेब्रम, ई लेबियम, एफ मैंडिबल, मिल गया, मिल गया, ओसिलस कंपाउंडाइज मैक्सिला लेब्रम लेबियम फिर लेब्रम मैंडिबल, क्या लगाने वाले उसके अंदर? सेकेंड, बहुत सही, बिल्कुल सही, मिल गया, पहचानना सीख गए ना अब, मुझे लग रहा है सीख गए, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। टैगमिना इन कॉकरोच अराइज फ्रॉम, टैगमिना, टैगमिना फोर विंग्स को बोलते हैं, हाइंड विंग्स को, टैगमिना फोर विंग्स को, प्रोथोरैक्स मीजोथोरैक्स मेटाथोरैक्स, प्रोथोरैक्स में विंग्स नहीं होते, मीजोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, ओके सेकंड, सेकंड लगा रहे हैं बिल्कुल सही। आगे देखो, विच टाइप ऑफ माउथ पार्ट आर प्रेजेंट इन कॉकरोच, बाइटिंग एंड चुइंग, या चुइंग एंड बाइटिंग बोल सकते हो, फोर्थ ऑप्शन, एब्सोल्यूटली राइट, एनसीईआरटी में करा चुका हूं, ठीक है, एनसीईआरटी एकदम परफेक्टली आपके ब्रेन में सेट हो चुकी है। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि एनसीईआरटी छूट रही है, आपके पीवाईक्यू छूट रहे, आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं छूट रहे, और ना ही एसर्शन रीजन। तो हर चीज हम कंसेप्चुअल लेके चल रहे हैं, ठीक है, और हर चीज कंपाइल कराते हुए बिल्कुल एनसीईआरटी के साथ साथ, तो मान के चल रहा हूं हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो रही है, ठीक है। कल ऑफ रहेगा, परसों मिलते हैं सेम टाइम, ठीक है, कोशिश करेंगे फुल एनर्जी के साथ और विद कंसेप्ट विद पीवाईक्यू, ठीक है। और हाँ, एक लास्ट में हम पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे कभी,
हो सकता है नेक्स्ट संडे को हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, तो पीवाईक्यूज और कुछ स्पेशल क्वेश्चंस के लिए हम संडे बना लेंगे, और रिमेनिंग जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो हम क्लास के साथ लेके चल लेंगे। तो काफी मटेरियल हो जाएगा आपके पास क्लास के साथ, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिल रहे हैं, असर्शन रीजन मिल रहे हैं, कुछ एनसीईआरटी कंसेप्ट भी ले लेंगे, एनसीईआरटी हम साथ लेके चल रहे हैं, सारे फ्लो डायग्राम डायग्राम कंसेप्चुअल साथ लेके चल रहे हैं, और हर संडे को हम पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चंस, उसमें हम स्टेटमेंट वाले नहीं लेंगे, स्टेटमेंट हम क्लास के साथ ले लेंगे। ठीक है, क्या बचता है बताओ? कुछ भी नहीं बचता। अगर आप साथ चल रहे हो तो एक एक कंसेप्ट एकदम बेहतर तरीके से क्लियर हो रहा है। तो थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अगले लेक्चर में स्टार्ट हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक यू, बाय बेटा।